रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर सिकंदर जाने मन कहलाएगा। हो हो, रोते हुए आते हैं सब। वेरी गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, ठोक दो लाइक का बटन, सारे बच्चों का एक एक लाइक होना चाहिए, हो सके दो दो लाइक कर दो, हो सके तीन तीन लाइक कर दो, मैं कह रहा हूं शेयर शेयर कर दो, कम ऑन वीडियो वालों। यो वी जी ओ, वो सिकंदर क्या था जिसने, सारे बच्चे फटाफट से लाइक ठोकेंगे जी। वो सिकंदर या जिसने जुल्म से जीता जहां, प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमान, जो सितारों पर कहानी प्यार की लिख जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। अब ठोक दो लाइक ना लाइक हो, और सारे बच्चे फटाफट से जितने भी ग्रुप हैं शेयर कर दो भाई, वो साथ में शेयर का बटन आ रहा होगा, अपने अपने स्टेटस पे लगा दो और हर ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दो, फटाफट से बोल दो गाबा सर लाइव आ गए हैं। जिंदगी तो बेवफा है एक दिन ठुकराएगी, जिंदगी तो बेवफा है एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है जाएगी, मर के जीने की अदा जो दिन को दिखलाएगा वो सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जान मन कहलाएगा। होते हुए वेरी गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है, ओ बोल दो मेरे दोस्तों, कदे हंस भी लिया करो, क्यों इतने दुखी दुखी रहते हो, पता तुम्हें कल का पता है तुम्हें, नहीं पता तो हंस भी लिया करो, हंस लो जिंदगी, हंस लो मेरे दोस्तों, हंस लो। हंसते पता कैसे, मैं तुम्हें हंसना सिखाता हूं, देखो पहले तुम हंसना सीखो, सीधे बैठ जाओ, थोड़ा सा लिप्स खोल लें ऐसे, थोड़े से और बस ऐसे हंसना यार, हंस लिया करो भाई, हंस लिया करो, कुछ नहीं पड़ा झंझटों में, कुछ नहीं पड़ा भाई, और कुछ नहीं पता, हंस लिया करो, और जिंदगी एक ही बार मिलती है, द्वारा द्वारा नहीं मिलती, ठीक है, तो भगवान का शुक्रिया अदा करा करो कि भगवान जी थैंक यू, आज आपने एक दिन हमें और दिया, हम खुश रहेंगे, लोगों को खुश रखेंगे और ऐसे रहेंगे, लोग हमें देख के खुश रहें, हम जलेंगे भुनेंगे नहीं, ठीक है, तो हंसते ना करो, अच्छे अच्छे बन के ना करो, ठीक है, चलें आगे, पक्का पक्का, हाँ ऐसे देखो, ये ऐसे ऐसे बच्चे चाहिए मेरे को, देखो सिंपल सी बात है, ठीक है जी। और लगता है सर का ब्रेकअप हो गया भाई, ब्रेकअप पैचअप, ये सब मोह माया है, खाली आत आए थे खाली आ जाने, ठीक है चलो आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ सर, टेंशन है कैसे है भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो यार, छोड़ो टेंशन है वेंशन है, इधर देखो तुम जीएसटी जो आज हम करने हैं, आज तुम्हारे जीएसटी का टेस्ट भी है,
पता है आज तुम्हारे जीएसटी का टेस्ट भी है, पता है? ओ पता है, और तुम्हें पता भी है टेस्ट है आज तुम्हारे जीएसटी का। हाँ तो पहले टेस्ट है, उसके बाद फिर आज वाली क्लास हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी देखते हैं कितने बच्चों को क्या अभी तक पल्ले पड़े है। 3 क्वेश्चन आपके सामने है जी, ठीक है जी? 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, 3 क्वेश्चन आपने अभी बैठ के सोल्व करने हैं, और ये आपने सोल्व करने हैं, मैंने सोल्व नहीं करने। कसम लगे माता रानी की, जिस भी भगवान को तुम मानते हो, ईश्वर को तुम मानते हो, अल्लाह को तुम मानते हो, जिस भी चीज को तुम मानते हो, कसम लगे तुम्हें ध्यान रखना ये क्वेश्चन तुम्हें अभी सोल्व करने हैं, ठीक है ना? विद प्रेजेंटेशन सोल्व करने हैं। हाँ एमसीक्यूज, अगर मैं एमसीक्यूज की बात करूंगा तो खाली आंसर भी निकाल सकते हो, पर अगर बड़े क्वेश्चंस की बात करूंगा तो भाई साहब आपने सोल्व करने हैं इसको, ठीक है? एक क्वेश्चन तो ये है, ठीक है? उसके बाद ये देखो मैंने इसका फॉर्मेट मैंने बना रखा है, मैं आपको करके दिखा दूंगा ये कैसे करना है। फिर सेकेंड क्वेश्चन ये वाला है, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आपका ये वाला है। ये 3 क्वेश्चन अभी हमें सोल्व करने हैं, और 3 क्वेश्चन के बाद तुम्हें आइडिया लगेगा कि जो अभी तक हमने किया वो तुम्हारे पल्ले पड़ा नहीं पड़ा। और एक बात, मैं तुम्हारे दिमाग से गलत फहमी निकाल दूं, इधर आ, इधर आ। आप में से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में गलत फहमी है। क्या गलत फहमी है? कि सर आईटीसी का चैप्टर खत्म हो गया, ना ब्लॉकेज वाला केस करवाया, ना सेक्शन 18 आपने कराया, ना सेक्शन 16 की कंडीशन बताई। तो मैं ये 10 बार बोल चुका हूं, आईटीसी का चैप्टर खत्म नहीं हुआ, आईटीसी का बेस खत्म हुआ है, ठीक है ना? अभी हमने चैप्टर रिवाइज ही नहीं किया, पूरा का पूरा चैप्टर हमारा भी बैलेंस बचा है। सेक्शन 16 से लेके 20 तक के जो भी सेक्शंस हैं वो सारे के सारे बैलेंस बचे हैं, वो बाद में रख के रिवाइज करेंगे जब आईटीसी का नंबर आएगा, ठीक है ना? ये सिर्फ मैंने आपको आईटीसी का बेस बताया कि एक्चुअल में आईटीसी जो वर्ड है उसका मतलब क्या है। चैप्टर हमने खत्म नहीं किया, बस ये पर ध्यान दो, कोई सोचो कि चैप्टर ही हमारा खत्म हो गया जी, ठीक है जी? चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पर आ जाओ जी। अब यहां पे क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, तो ये पीडीएफ है, ये लो, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूं ताकि तुम्हें पूरा क्वेश्चन दिख जाए, और मैं इसके साइड में रेट भी लिख देता हूं। ये इसमें सीजीएसटी का रेट है 9%, एसजीएसटी का रेट है 9%, आईजीएसटी का रेट है 18%, और आपको इस क्वेश्चन में यह बताना है कि नेट जीएसटी पेबल कितना बनेगा जी। आपको इस क्वेश्चन में यह बताना है कि नेट जीएसटी पेबल कितना बनेगा, कि नेट जीएसटी हमें कितना देना पड़ेगा। फटाफट सारे बच्चे क्वेश्चन सोल्व करो जी, फटाफट से सारे के सारे बच्चे इसको क्वेश्चन सोल्व करो जी, जल्दी। क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, तो ऐसा कर देता हूं मैं पूरा क्वेश्चन ही दिखा देता हूं जी, मैं सिर्फ क्वेश्चन दिखा रहा हूं पूरा, ये लो जी क्वेश्चन मैंने पूरा दिखा दिया। हाँ बिल्कुल करना है सार्थक भाई, बिल्कुल करना है, आपको भी आईटीसी वाला क्वेश्चन करना है, बिल्कुल करना है भाई। ये क्वेश्चन कहां मिलेगा मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, पहले अभी क्वेश्चन कर लो यहां पे फटाफट से जी, जल्दी क्वेश्चन करो, क्वेश्चन आपके सामने खुला हुआ है जी। देखो आज टेस्ट था ना तो और बच्चे कम आए हैं, क्योंकि बच्चों को क्वेश्चन करने से मतलब ही नहीं है। बच्चे अगर ऐसे की तैसे हम क्यों क्वेश्चन करेंगे, हम सिर्फ रट्टे मारेंगे प्रोविजन के। हनी जब ये क्वेश्चन हो जाएगा तो मुझे बता देना इसका आंसर कितना आया जी। बातचीत बंद करके क्वेश्चन करो फटाफट से। नहीं शिवम, पहले आपको बेसिक देखना पड़ेगा, जितनी क्लास हमारी हो चुकी है। अंशिता क्वेश्चन तो विजिबल होना चाहिए, बिल्कुल मोबाइल के अंदर भी दिख रहा है, मैंने मोबाइल के अंदर खोला हुआ है, आप थोड़ी सी वहां से क्वालिटी बढ़ाओ। अंकित बिल्कुल करेंगे, सर जी अमाउंट में जीएसटी इंक्लूडेड है, आप चेक करो क्वेश्चन आपके सामने है, और ये सारे के सारे प्राइस जो हैं ये एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी हैं जी, ये है एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, इन प्राइस में जीएसटी इंक्लूड नहीं है जी।
गीतिका, इन प्राइस में जीएसटी इंक्लूड नहीं है, इन प्राइस में जीएसटी इंक्लूड नहीं है जी। सर वैल्यू एडिशन नहीं है फर्स्ट क्वेश्चन में, जो भी दिया हुआ है बस वो ये दिया हुआ है जी, जो भी दिया हुआ है बस वो ये दिया हुआ है। सर ये एक ही क्वेश्चन है। अरे गुप्ता साहब कैसी बात कर रहे हो, डेली नहीं आ रहे क्या आप क्लास में हैं? एक दिन आते हो, एक दिन भटक जाते हो, फिर एक दिन आते हो, फिर दो दिन भटक जाते हो, कैसी बातें कर रहे हो आप? ये पूरा क्वेश्चन ही है। एक बच्चा कह रहा है वैल्यू एडिशन, तो जो आपको सेल प्राइस दिया हुआ है ना वो टोटल कंबाइन सेल प्राइस है, उसमें वैल्यू एडिशन भी इंक्लूड है। हर्षिता आपको भी ये सेम क्वेश्चन करना है जी, सेम क्वेश्चन करना है जी। सीजीएसटी एसजीएसटी 33,000 और आईजीएसटी नील। अमन यहीं से देखे क्वेश्चन कर लो, ये पीडीएफ मैं क्लास खत्म होने के बाद टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, अभी आप क्वेश्चन यहीं से देख के कर लो जी। विश्वजीत कह रहा है सर ये आप करवा दो, वो तो मेरे को करवाना ही है, बट विश्वजीत ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं, अगर आप डेली बेस पे आ रहे हो, अगर आप डेली बेस पे क्लास मेरे बच्चे अटेंड कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं, और 16 क्वेश्चन जो हमने किए हैं 16 में से कम 6 क्वेश्चन ऐसे हमने किए हैं जी। बाकी टेंशन मत लो, अब ये सारा क्वेश्चन मैं खुद करवाऊंगा अभी, बट ट्राई करो अगर आपसे हो सकता है तो, जितना भी हो पा रहा है। विश्वजीत मुझे लग रहा है तुम कर सकते हो, तुम्हारा नाम इतना सुंदर है यार, कैसी बात कर रहे हो तुम, इतना प्यारा प्यारा नाम रखा हुआ है तुमने। डन, चलो रे, काफी सारे बच्चों के आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं, तो अब एक बार चेक करते हैं इसका नेट जीएसटी लाइबिलिटी कितनी निकल के आ रही है जी। ठीक है जी, चलो जी, अब एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ जी, अब सारे के सारे बच्चे यहां पे ध्यान दो जी, इधर देखो ध्यान से जी। हेलो भाई साहब, हेलो, इधर देखो ध्यान से जी, अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहां पे ध्यान दो, अब इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है मैं थोड़ा सा करवाने जा रहा हूं जी। अब एक बार यहां पे चेक करना, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखो, क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं जी। हाँ जी, हेलो भाई साहब, इधर आपकी बात मैं कर रहा हूं इधर। अब क्वेश्चन को ना पढ़ना सीखना कि क्वेश्चन में पढ़ना कैसे है, कि अगर मान लो ये वाला क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम के अंदर बनेगा तो पहले क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है और फिर पढ़ने के बाद क्वेश्चन को करना कैसे है जी। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन ये बात कह रहे हैं जी, एक्सटी प्राइवेट लिमिटेड ए सप्लायर ऑफ गुड्स, पहली बात गुड्स का सप्लायर है, पेज जीएसटी अंडर द रेगुलर स्कीम। अच्छा यहां पे इन्होंने लिखा हुआ है रेगुलर स्कीम, तो याद करो जिन बच्चों ने भी जीएसटी पहले थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो जीएसटी में आपकी दो स्कीम होती है, एक तो रेगुलर स्कीम होती है और एक कंसेशनल स्कीम होती है। रेगुलर स्कीम वाले जीएसटी चार्ज करते हैं, कंसेशनल स्कीम वाले कंसेशनल टैक्स चार्ज करते हैं। तो ये रेगुलर स्कीम में मतलब ये जीएसटी की बातें करेगा, ये कंसेशनल स्कीम में कवर नहीं है। चलो फिर वो कह रहा है, इट हैज मेड द फॉलोइंग आउटवर्ड सप्लाई। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, आउटवर्ड सप्लाई का मतलब क्या है, सेल या परचेज? पहले मेरे को सारे के सारे बच्चे ये बताओ, आउटवर्ड सप्लाई का मतलब क्या है, सेल है या परचेज है? जितने बच्चे भी इससे मेरे सामने बैठे, मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, सेल होता है या परचेज होता है? सेल होता है। अच्छा, अगर आउटवर्ड का मतलब सेल है तो सेल पर हम जीएसटी पे करके आते हैं या सेल पर जीएसटी चार्ज करते हैं? मैंने सामान बेचा तो ना, मैंने सामान बेचा तो बेचने पर हम जीएसटी चार्ज करेंगे या बेचने पर हम जीएसटी देकर आएंगे? ऑब्वियस सी बात है, बेचने पर हम जीएसटी चार्ज करेंगे। और अगर बेचने पर हम जीएसटी चार्ज करेंगे तो सामने वाले से जो भी हम जीएसटी लेंगे वो जीएसटी हमें गवर्नमेंट को देने जाना है। तो जिन बच्चों को भी ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, बहुत ध्यान से मेरी बात समझ लो। अगर मैं बात करता हूं आउटवर्ड सप्लाई, तो आउटवर्ड सप्लाई का मतलब होता है सेल, सेल पर हम जीएसटी चार्ज करेंगे, तो इस पे जो भी जीएसटी बनेगा वो जीएसटी हमें गवर्नमेंट को देने जाना है।
अब एक बार मेरे को सारे बच्चे बोल देना, तो सेल हमने कहां का किया है, तो पहला हो गया इंट्रा स्टेट सप्लाई। अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो सारे बच्चे आवाज मार दे, इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब क्या है, इसके बिल में हम कौन सा जीएसटी चार्ज करेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब बताओ 8 लाख रुपए की सप्लाई है, अब अगर 8 लाख रुपए की सप्लाई है तो 8 लाख रुपए का 9% 72,000 सीजीएसटी, 72,000 क्या बनेगा, एसजीएसटी बनेगा। तो सबसे पहली टेबल जो यहां पर बनेगी दैट इज ग्रोस जीएसटी लाइबिलिटी, तो पहले आपकी सेल यहां पे निकल के आ रही है दैट इज इंट्रा स्टेट सेल। अब अगर इंट्रा स्टेट सेल है तो 8 लाख रुपए का अमाउंट है, यहां पे 9% जीएसटी ईच लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो 72,000 रुपए का आपका सीजीएसटी बनेगा, 72,000 रुपए का एसजीएसटी बनेगा, यहां पर आईजीएसटी नहीं बनेगा। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, हाँ जी यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, पक्का पक्का लॉक कर सकता हूं। अब अगले पॉइंट पर आओ, अगला पॉइंट फिर यहां पर वो कहना चाह रहा है इंटर स्टेट सप्लाई। अब अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो बिल में कौन सा जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। अब अगर 3 लाख रुपए की वैल्यू है तो 3 लाख रुपए का 18% 54,000 जो है वो तुम्हारा आईजीएसटी निकल के आएगा। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं, अब यहां पर इंटर स्टेट सप्लाई है जी, अब अगर इंटर स्टेट सप्लाई यहां पर निकल के आ रही है, 3 लाख रुपए की वैल्यू यहां पर है, अगर मैं 18% लगाऊंगा तो 54,000 का मेरा यहां पे आईजीएसटी आएगा। अब अगर 54,000 का मेरा यहां पे आईजीएसटी निकल के आएगा तो इस केस में क्या होगा जी, 72,000 का सीजीएसटी आ गया, 72,000 का एसजीएसटी आ गया, 54,000 का आईजीएसटी हो गया, तो ये मेरी ग्रोस लाइबिलिटी निकल के आ रही है। अच्छा, इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट से लेना है या इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना है, सारे बच्चे में कोई बता दे, इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना है या इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट से लेना है। हाँ जी, आंसर दो फटाफट से। मेरे को सारे के सारे बच्चे बस ये बता दो, ये जो अमाउंट आपका निकल कर आया है, इतना पैसा आपने गवर्नमेंट को देना है या इतना पैसा गवर्नमेंट से लेना है। ऑब्वियस ही बात है, गवर्नमेंट को देना है भाई, सेल पे जीएसटी चार्ज किया तो ये पैसा हमें गवर्नमेंट को देना है, ये पैसा गवर्नमेंट से लेना नहीं है। तो यहां पर तीसरी टेबल के अंदर आ जाओ जहां पर नेट जीएसटी लगाना है, तो यहां पे सबसे पहले आप लिखोगे ग्रोस जीएसटी लाइबिलिटी कितना आ गया, 72,000, यहां पे 72,000 और यहां पर 54,000 आ गया, ये आपकी लाइबिलिटी निकल के आ रही है जी। अब यहां पे अगले पॉइंट के अंदर आओ, अब अगला अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट देखता हूं तो नेक्स्ट उसने बोला है इट हैज ऑल्सो फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज। अब सारे के सारे बच्चे आंसर दो परचेज, परचेज का मतलब क्या है, आउटवर्ड सप्लाई इनवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई, तो इस परचेज पर मैंने इसको जीएसटी दिया होगा, अगर परचेज पर मैंने जीएसटी दिया होगा तो इस पर जो भी जीएसटी दिया होगा मुझे मिलेगा आईटीसी। यहां पे क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ है कि आप आईटीसी लेने वाली सारी कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, तो मतलब जो भी परचेज है उस परचेज पर जो भी जीएसटी मैंने दिया है उसका मेरे को आईटीसी मिल जाएगा। नीचे लिखा हुआ है आईटीसी लेने वाली सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो अगर मैं यहां पर चेक करूंगा, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहां पर वैल्यू जो निकल के आ रही है वो वैल्यू आ रही है 2 लाख रुपए की। अब सोच के बोला इंट्रा स्टेट परचेज है, अब अगर इंट्रा स्टेट परचेज है तो इस पर मैंने कौन सा जीएसटी दिया होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी मैंने दिया होगा जी। इस पर मैंने कौन सा जीएसटी दिया होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी मैंने दिया होगा। उसके बाद फिर इंटर स्टेट परचेज है, इस पर मैंने कौन सा जीएसटी दिया होगा, आईजीएसटी दिया होगा, तो इस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी दिया होगा, इस पर मैंने दिया होगा आईजीएसटी। फिर गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि आपका ओपनिंग बैलेंस जो आईटीसी का है वो इतना है, मतलब इतने पैसे मुझे गवर्नमेंट से पहले के लेने हैं, इतने पैसे मुझे गवर्नमेंट से पहले के लेने हैं और इतने पैसे मुझे गवर्नमेंट से और लेने हैं, जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो टोटल आईटीसी मेरा निकल के आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, जो आपकी टेबल 2 आ रही है उस टेबल 2 में आप सबसे पहले क्या लिखोगे, आप लिखोगे ओपनिंग बैलेंस। अब यहां पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी लिखोगे तो कितना आ रहा है जी, 57,000 का सीजीएसटी आ रहा है, ठीक है। अब 57,000 का यहां पे सीजीएसटी आ रहा है, एसजीएसटी यहां पे नहीं आ रहा, और आईजीएसटी कितना निकल के आ रहा है जी, आईजीएसटी निकल के आ रहा है 70,000 रुपए का आईजीएसटी निकल के आ रहा है, इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट से पहले का लेना है। उसके बाद फिर यहां पर आप एड कर दोगे, आप एड क्या कर दोगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट कि मुझे और कितना मिलेगा जी। अब सबसे पहली परचेज जो है वो आपकी आ रही है इंट्रा स्टेट, अब अगर इंट्रा स्टेट परचेज है तो चेक करो कितने की है जी, यहां पर पहली परचेज है 2 लाख रुपए की, तो 2 लाख रुपए की है तो 2 लाख रुपए का 9% 18,000, तो 18,000 जो है आपका सीजीएसटी है, 18,000 आपका एसजीएसटी है, आईजीएसटी यहां पर नहीं है,
तो 2 लाख रुपए का अगर आप 9% निकालोगे तो 18,000 रुपए सीजीएसटी और एसजीएसटी में आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद फिर अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, अब नेक्स्ट परचेस हमारी कौन सी है, नेक्स्ट परचेस हमारी है इंटर स्टेट परचेस। इंटर स्टेट परचेस मेरी कितनी है जी, अब इंटर स्टेट परचेस है मेरी यहां पे 50,000 रुपए की। अब अगर 50,000 की है तो 50,000 का 18% कितना बनेगा, 9,000 रुपए बनेगा। तो 9,000 रुपए मेरा यहां पर आएगा आईजीएसटी, ये हो गया 9,000 रुपए आईजीएसटी। अब अगर मैं टोटल काउंटिंग करूंगा तो 57,000 प्लस में 18,000 रुपए, तो ये 75,000 मुझे सीजीएसटी के लेने हैं, 18,000 रुपए मुझे एसजीएसटी के लेने हैं और 79,000 जो है मुझे आईजीएसटी के लेने हैं। पहले के सारे बच्चे बताएं, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। हेलो भाई साहब, ओए ओए इधर देख लो, यही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के अंदर बनने हैं, जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ना रिवीजन में, वो सारी रिवीजन 0/0 है अगर तुम्हें क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे। और यही रीजन है बच्चों का सबसे बड़ा फेल होने का, कि प्रोविजन तो रट चुके हैं, क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहे बस। तो यहां तक बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का इसको लॉक कर सकता हूं जी, डन, आगे बढ़ सकते हैं। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अब अगले पॉइंट पर आओ। अब अगर हम अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आओ, अब यहां पे ग्रोस लाइबिलिटी है, इसमें से माइनस हमें करना है। क्या माइनस करेंगे जी, माइनस करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब माइनस करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट, अब सारे बच्चे बोलते हैं इसमें से आईटीसी माइनस करेंगे। अब सबसे पहले हमें किसकी हत्या करनी है, आईजीएसटी, तो सबसे पहले आप क्रेडिट उठा लो आईजीएसटी का। अब अगर मैं आईजीएसटी का क्रेडिट उठाऊंगा तो कितना है, 79,000, यहां पे कितना है जी 79,000, तो 79,000 में से 54,000 तो पहले ये खत्म कर दो। अब 79,000 में से 54 ये खत्म कर दिए, तो 79 में से 54,000 चले गए, तो बैलेंस कितना बच गया, 25,000 रुपए का आईटीसी मेरे पास यहां पर बैलेंस बच गया जी। 25,000 रुपए का आईटीसी मेरे पास क्या बच गया, बैलेंस बच गया। अब बच्चा कह रहा है सर 25,000 रुपए कैसे यूज करेंगे, जैसे तुम्हारा मन करता है वैसे कर लो, जैसे तुम्हारा मन करता है वैसे कर लो। तुम्हें पहले सीजीएसटी में करनी है वैसे कर लो, एसजीएसटी में करनी है वैसे कर लो। गवर्नमेंट चाहती है मोर बेनिफिशियल, भाई जो ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो ना तुम वैसे कर लेना। मैं दोबारा कह रहा हूं, आंसर में वेरी, तुम्हारा आंसर मेरा आंसर अलग हो सकता है, बट जैसे आपने यूज किया आपको एजम्पशन लिख के आनी पड़ेगी आपने यूज कैसे किया। अच्छा अगर मैं अपनी बात करता हूं, मैं कैसे यूज करता, एक बात मेरे को बताओ, यहां पे 75,000 का मेरे पास आईटीसी बचा है, मतलब यहां पर 75,000 का आईटीसी मेरे पास बचा है और लाइबिलिटी मेरी कितनी है 72,000 रुपए की, तो 3,000 रुपए का मेरे पास आईटीसी बच जाएगा। अगर मैं बात करूंगा सीजीएसटी की तो 3,000 रुपए का आईटीसी मेरे पास बच जाएगा। तो सिंपल सी बात है, मतलब सीजीएसटी मेरे पास इतना बचा है कि मैं सीजीएसटी की पेमेंट में यूज कर सकता हूं, तो आईजीएसटी को मैं सीजीएसटी में ना ही यूज करूं तो अच्छा है। नहीं बात मेरी समझ में आ रही, एक बात मेरे को बताओ, मैं सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूं कि मेरे पास टोटल 25,000 बचे हैं। अब अगर 25,000 मेरे पास बैलेंस बचे हैं तो 25,000 रुपए का मैं कोशिश करता हूं कि सीजीएसटी में ना करूं, क्योंकि सीजीएसटी का क्रेडिट खुद इतना सफिशिएंट है कि वो सीजीएसटी की लाइबिलिटी को खत्म कर सकता है। तो बिना बात के आईजीएसटी अगर मैं वहां पे यूज कर लूंगा तो सीजीएसटी वाला मेरा ज्यादा बैलेंस बच जाएगा, क्या फायदा उसका। तो क्यों ना मैं 25,000 रुपए, क्यों 25,000 मैं एसजीएसटी में कर देता हूं। तो मैं क्या करूंगा, पूरे के पूरे 25,000 यहां पे कर दूंगा और यहां पर मैं करूंगा नहीं, ये मेरा आईजीएसटी पूरा खत्म हो गया जी। ये मेरा क्या हो गया, आईजीएसटी पूरा खत्म हो गया। अब आ जाओ अगले सीजीएसटी, अब कितना है 75 और देने कितने हैं 72, तो पूरा का पूरा 72 आपने खत्म कर लिया, यहां पे लाइबिलिटी होगी नील। फिर आ जाओ एसजीएसटी, अब एसजीएसटी का क्रेडिट कितने है जी यहां पे 18,000 रुपए, तो यहां पे जब अपने 18,000 रुपए यूज कर लिए वो भी खत्म हो गया जी। अब यहां पे चेक करो, यहां पे इसकी पेमेंट जो यहां पे निकल के आ रही है जी, अब अगर मैं बात करूंगा इसकी पेमेंट की, तो यहां पर पेमेंट आ रही है नील। यहां पर पेमेंट कितनी आ रही है, 72,000 माइनस में 25,000 माइनस में 18,000, तो ये आ रहा है 29,000, और यहां पे कितनी आ रही है नील आ रही है। अब क्रेडिट जो कैरी फॉरवर्ड होगा वो कितना होगा, 3,000 रुपए का क्रेडिट यहां पे कैरी फॉरवर्ड होगा, यहां पे कुछ भी नहीं होगा, यहां पे कुछ भी नहीं होगा, तो ये आंसर निकल कर आएगा जी। अब जिस जिस बच्चे का भी ये आंसर है, आई होप उनको मेरी बातें समझ में आ सकती है जी। पर मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर आपने कुछ अलग तरीके से यूज किया है वो भी तुम्हारा आंसर सही हो सकता है, बट आपने एजम्पशन लिखी हो नीचे वर्किंग नोट के अंदर कि आपने यूज कैसे किया, बट जो बेस्ट पॉसिबल मैनर है ना, बेस्ट पॉसिबल मैनर, वो बेस्ट पॉसिबल मैनर ये है।
मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूं, इस 25,000 को मैंने यहां पे यूज क्यों किया, मैंने बराबर बराबर यूज क्यों नहीं किया, मैंने सीजीएस में क्यों नहीं किया। मैं लास्ट टाइम बता रहा हूं, अगर समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं जैसे भी आपने किया है वो भी काम चल जाएगा, बट बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, मैंने क्यों वहां पे यूज नहीं किया। मैंने इसलिए सीजीएसटी में यूज नहीं किया, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि मुझे सीजीएसटी के 72,000 पे देने हैं और 75,000 रुपए लेने हैं। अब अगर 72,000 पे देने हैं, अगर 72,000 पे देने हैं, 75,000 पे लेने हैं, तो सोच के बताओ क्या सीजीएसटी की लाइबिलिटी चुकाने के लिए क्या सीजीएसटी का क्रेडिट सफिशियंट है या नहीं। हां या ना बता दो बस, हां या ना मेरे को बता दो बस, क्या सीजीएसटी की लाइबिलिटी चुकाने के लिए क्या सीजीएसटी का क्रेडिट मेरे पास सफिशियंट है या नहीं है बता दो। भाई साहब तुम्हें रिवीजन क्लास में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, रिवीजन क्लास की बात कर रहा हूं, 8-8 नंबर के क्वेश्चन है, 8-8 नंबर के क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर बन चुके हैं, और अभी सिर्फ रिवीजन क्लास की बात मैं कर रहा हूं। अगर तुम अभी ये सोल्व कर पा रहे ना, तुम्हें अपने ऊपर प्राउड फील होना चाहिए कि रिवीजन क्लास के अंदर तुमने कमाल कर दिया। बट जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा मैं उनकी बात कर रहा हूं, क्या सफिशियंट है, बिल्कुल सफिशियंट है भाई। देने कितने हैं 72, लेने कितने हैं 75। अब अगर देने 72 है लेने 75 है तो पूरा यूज कर सकता हूं। तो जो मैं, मेरे पास सीजीएसटी का बैलेंस इतना सफिशियंट है कि सीजीएसटी की लाइबिलिटी सारी खत्म हो सकती है, तो क्यों मैं आईजीएसटी को बीच में घुसाऊं। क्योंकि जो एसजीएसटी है उसके 18,000 पे लेने हैं और 72,000 पे देने हैं, तो एसजीएसटी की लाइबिलिटी ज्यादा है क्रेडिट कम है, तो सबसे अच्छा यह होगा कि एसजीएसटी की पेमेंट करने के लिए मैं आईजीएसटी पहले यूज कर लेता हूं, क्योंकि उसके पास क्रेडिट कम है, तो उसके पास अगर क्रेडिट कम है तो मैं उसकी हेल्प कर देता हूं ना। तो मैंने क्या किया, सारा 25 एसजीएसटी में यूज कर लिया, अब मैंने सारा वहां पे यूज कर लिया, फिर बाकी यूज कर लिया, तो 29,000 अगर आप यहां पे चेक करोगे, 9,000 की आपकी पेमेंट यहां पर बैलेंस निकल के आ रही है, 29,000, तो 29,000 आपका बैलेंस यहां पे आ रहा है, और 3,000 रुपए का कई जो है वो कैरी फॉरवर्ड है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है, और अगर मेरी बात अच्छी लगी है तो लाइक का बटन तोड़ दो और अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जी, सारे के सारे बच्चे अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, फटाफट से आओ जी, फटाफट से आ जाओ, फटाफट से आ जाओ अगले क्वेश्चन के। आप अगर यहां तक समझ में आ गया तो लाइक का बटन ठोक दो जी, डन। अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं जी, अब अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, और अगर तुम्हें यह समझ में आ गया तो अगले क्वेश्चन में तुम्हें और मजा आएगा जी। वर्किंग नोट में मैनर और मैनर, हाँ बिल्कुल लिख के आना जी, वर्किंग नोट के अंदर लिख के आना जी, बिल्कुल लिख के आना जी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। अब यहां पर आ जाओ अगले क्वेश्चन को देखो जी, अब यह क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन तुम्हें यहां पर दिया हुआ है जी, ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर रहा हूं, यह पूरा क्वेश्चन है, यहां पर रेट सेम है वही, यहां पर रेट सेम है, सीजीएसटी का रेट 9%, एसजीएसटी का रेट 9%, आईजीएसटी का रेट 18%, और प्राइस जो है वो एक्सक्लूसिव है, मतलब उसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है, तो नेट जीएसटी पेबल कितना बनेगा वो आपको बताना है। सर अगर हम सीजीएसटी का बैलेंस आईजीएसटी में यूज कर लें तो बिल्कुल ही गलत है भाई, क्या बात कर रहे हो ये, हेलो कौन है फिल्मिंग, इधर सुन, कैसे यूज कर लो, पहले आईजीएसटी यूज नहीं करोगे क्या, जब आईजीएसटी पूरा ही खत्म हो गया तो सीजीएसटी आईजीएसटी में कहां से जा रहा है, सीजीएसटी आईजीएसटी में कब जाएगा, जब आईजीएसटी की लाइबिलिटी बची होगी, लाइबिलिटी तो बची नहीं, सीजीएसटी वहां कहां लेके जा रहे हो, नालायक। डन, लॉक करें जी। कृष्णा कह रहा है सर वर्किंग नोट कैसे लिखना है, वर्किंग नोट सिंपल लिखना है मेरे भाई, जो भी आपने मैनर पढ़ा क्लास के अंदर वो मैनर आपको वर्किंग नोट में लिख के आना है बस, कि भैया इस तरह से मैनर होता है और आपने यूज कैसे किया, वैसे वैसे लिख लो ना। आप क्या लिखोगे कि आईजीएसटी सबसे पहले हमने आईजीएसटी में यूज किया, फिर आईजीएसटी हमने कहां यूज किया, एसजीएसटी में, फिर सेकंड नंबर पे आओ सीजीएसटी आपने कहां यूज किया, सीजीएसटी में, फिर थर्ड नंबर पे आओ एसजीएसटी आपने कहां यूज किया, एसजीएसटी में, ये आपको वर्किंग नोट में लिख के आना है जी। सर अगर पेमेंट ज्यादा है तो आईटीसी क्रेडिट से तो यूज टाइम कैश यूज उस टाइम कैसे यूज करेंगे, ऐसे नॉर्मल यूज करेंगे जैसे आप आईजीएसटी यूज करते हो, सीजीएसटी यूज करते हो, तो जो बैलेंस बचेगा वो तुम्हें कैश में देना पड़ेगा जी। भाई अगर तुम्हारी पेमेंट ज्यादा है, आईटीसी कम है, तो बैलेंस तुम्हारा कैश बचेगा ना, फिर वो तुम कैश में दे के आओगे जी।
सर SGST का बैलेंस 18,000 नहीं था। अरे भाई साहब, मेरे को तो समझ में आ रहा है। एक तो ना प्रॉब्लम पता क्या है, डेली आते नहीं बच्चे, जब मन किया तब उठ के आ गए। गाबा सर वेले हैं, परिवार इनका है नहीं, तो जब हमारा मन करेगा आ जाएंगे, नहीं मन करेगा नहीं आएंगे। भाई मेरे हाथ जुड़े पड़े हैं, अगर इस चैप्टर को समझना है तो भाई डेली आओ। अब तुम सीधा उठ के आ गए हो तो बच्चा क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है कि 18,000 बैलेंस था, तो 25,000 आपने IGST का बैलेंस यूज नहीं किया क्या? अब 25 और 18 तो टोटल मिला के अगर माइनस करोगे तो बैलेंस, आपका बैलेंस 29,000 बस तो गया। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप क्लास में डेली आए। अगर आप बीच में उठ के आ रहे हैं तो ये चैप्टर ITC है, ये टॉपिक ITC है, ये बड़े बड़े को समझ में नहीं आता आप कैसी बात कर रहे हैं, और आप रिवीजन क्लास में मजे ले रहे हैं नालायक। हां जी फटाफट से बताओ जी, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा जी? फटाफट से बता दो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, जल्दी बताओ जी। ₹14,500, ₹17,500 IGST nil। चलो तो एक बार ऐसा करते हैं, सोल्व करें इसको जी। आज जो एक बार फटाफट से इसको सोल्व करते हैं। इधर देखो ध्यान से, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना जी, एक बार आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, पारितोष एंड कंपनी इज सप्लायर ऑफ गुड्स पेज GST अंडर रेगुलर स्कीम। अगेन रेगुलर स्कीम के अंदर है। इट हैज मेड द फॉलोइंग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई। अब सारे बच्चे बोल दो आउटवर्ड सप्लाई दी है, तो आउटवर्ड सप्लाई का मतलब क्या है? सेल। और सेल पर हम GST चार्ज करते हैं, मतलब सामने वाले से GST लेकर हमें गवर्नमेंट को देने जाना है, तो ये हमारी लाइबिलिटी है। ये हमारी क्या है? लाइबिलिटी है, मतलब इतना पैसा हमें गवर्नमेंट को देना है। अब 10 लाख इंटरेस्ट रेट सप्लाई है, तो 10 लाख पे आप 9% लगा देंगे, तो 90,000 पे CGST और 90,000 पे SGST। तो ऐसा करते हैं, यहां पे सबसे पहला ग्रोस लाइबिलिटी निकालते हैं। तो ग्रोस लाइबिलिटी में अब सबसे पहला पॉइंट जो मेरा यहां पे निकल के आ रहा है जी, यहां पे चेक करो, पहला आ रहा है मेरा इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई में 90,000 पे CGST और 90,000 पे SGST, IGST मेरा नहीं है, पहला पॉइंट खत्म हो गया जी। उसके बाद अब अगले पॉइंट पर आओ जी, नेक्स्ट पॉइंट पर आओ, इंटर स्टेट सप्लाई है 8 लाख रुपए। अब अगर 8 लाख रुपए इंटर स्टेट सप्लाई है तो क्या लगेगा? IGST। तो 8 लाख रुपए का 18% अगर मैं निकालूंगा तो 1,44,000 रुपये IGST आ गया जी। तो ये होगी इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है। तो यहां पे कितने रुपए हैं? 8 लाख रुपए, इसका 18%, तो कितना आ गया? 1,44,000 रुपये। तो टोटल लाइबिलिटी जो आ गई 90,000 रुपये CGST, 90,000 रुपये SGST और 1,44,000 रुपये का आपका IGST आ गया। ये आपकी ग्रोस GST लाइबिलिटी यहां पे निकल के आ रही है जी, ठीक है जी। ये ग्रोस लाइबिलिटी आपकी निकल के आ रही है, डन। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? हेलो भाई साहब, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? क्या इसको लोग कर सकते हैं? पक्का पक्का। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। अब अगला पॉइंट क्या है? कंप्यूटेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब हमें निकालना है क्रेडिट, जो किससे निकलेगा? परचेज से निकलेगा। अब यहां पे आ जाओ सेकंड कैटेगरी। तो इसने बोला कि आपकी परचेज दी हुई है, अब यहां पे परचेज चेक करना, इंट्रा स्टेट परचेज है 3 लाख रुपए। अब अगर 3 लाख रुपए की इंट्रा स्टेट परचेज है तो 3 लाख रुपए का 9% CGST, 9% SGST, इतना मुझे ITC मिल जाएगा। फिर इंटर स्टेट परचेज है 2.5 लाख रुपए की, तो 2.5 लाख रुपए का 18%, इतना मुझे IGST का क्रेडिट मिल जाएगा। फिर ओपनिंग बैलेंस यहां पे दिया हुआ है, मतलब इतने पैसे मुझे पहले के लेने हैं। तो ऐसा करते हैं, पहले ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं जी। अब सबसे पहले यहां पे लिख लेते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ ITC। बताओ कितना है जी ओपनिंग बैलेंस? तो 57, 60 और 140। तो यहां पे आएगा 57 CGST के और 60,000 जो है वो मेरे SGST के हैं और 1,40,000 जो है वो मेरे IGST के हैं। इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट से लेना है। अब मुझे और कितना लेना है जी? तो यहां पे जोड़ दूंगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। सबसे पहला यहां पे आ गया इंट्रा स्टेट परचेज। तो इंट्रा स्टेट परचेज है तो पहला यहां पे आ गया 3 लाख रुपए। अब अगर इंट्रा स्टेट परचेज 3 लाख रुपए है तो 9% आ गया, 27,000 रुपए आ गया।
तो अगर मैं चेक करूंगा 27,000 रुपए यहां पे सीजीएसटी आ गया, 27,000 रुपए एसजीएसटी आ गया, आईजीएसटी यहां पे बनेगा नहीं। फिर अगला यहां पे आ गया इंटर स्टेट परचेज। अब इंटर स्टेट परचेज में कितनी है जी मेरी यहां पे 2.5 लाख रुपए। अब 2.5 लाख रुपए का 18% निकाल लो जी। अब अगर 2.5 लाख रुपए का 18% में यहां पे निकालूंगा तो कितना आएगा जी 45,000 रुपए। तो 45,000 रुपए ये निकल के आ गया जी। अगर आप चेक करोगे 45,000 रुपए आईजीएसटी निकल के आ गया। अब टोटल देखो टोटल कितना आएगा जी, तो 57,000 प्लस में 27,000 84,000, 60,000 प्लस में 27,000 87,000, 144,000 सॉरी 140,000 प्लस में 45,000 1,85,000। अब इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट से लेना है, इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट से लेना है। अब आपस में सेटलमेंट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पे लिखो ग्रोस लाइबिलिटी। ग्रोस लाइबिलिटी कितनी है 90,90,144। तो यहां पे 90, यहां पे 90,000 और यहां पे आएगा 144। ये ग्रोस लाइबिलिटी है। इसमें से माइनस करोगे आईटीसी। अब अगर आईटीसी माइनस करेंगे तो सबसे पहले हत्या किसकी करेंगे बता दो, बस मेरे को सारे बच्चे बताओ सबसे पहले हत्या किसकी करेंगे। तो सबसे पहले हत्या करेंगे आईजीएसटी की। अब आईजीएसटी लेना कितने 185, तो 185 में से पहले तो 144 खत्म कर लो जी। अब अगर 144 खत्म कर लेता हूं तो 185 में से 144 चला गया तो बैलेंस बच गए 41,000 रुपए। बैलेंस कितने बच गए 41,000 बच गए जी। नहीं आवाज समझ में आ रही भाई, बैलेंस 41,000 बच गए ना। अब इस 41,000 को कैसे यूज करना है हमें यह देखना है। अब एक बात मेरे को बताना, अभी देखते हैं 90,000 पे हमें देना है, 87,000 पे लेना है, तो 3,000 पे हमारे पास कम बचेंगे, 3,000 पे हमारे पास कम बचेंगे जो मेरे को और चाहिए होंगे एसजीएसटी में। फिर 90,000 पे यहां पे देना है, 84,000 मुझे लेना है, तो 6,000 पे मेरे पास कम बचेंगे। तो 6,000 पे सीजीएसटी में कम बच रहे हैं, 3,000 पे एसजीएसटी में कम बच रहे हैं और मुझे आईजीएसटी का 41,000 पे लेना है। तो अगर 41,000 पे लेना है तो क्यों ना मैं बराबर बराबर कर दूं, क्यों ना मैं बराबर बराबर कर दूं, आपस में दोनों की पूर्ति हो जाएगी और इवन हमारा क्रेडिट और बच जाएगा। नहीं बात समझ में आ रही, तुम्हें और तरीके से करना है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम वैसे करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर मान लो 6,000 यहां है 3 यहां है, तो अगर मैं बराबर बराबर कर दूंगा ना तो दोनों की पूर्ति हो जाएगी। तो अगर यहां पे फॉर एग्जांपल 41,000 रुपए है तो डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो 20,500 रुपए यहां यूज कर लेते हैं और 20,500 रुपए यहां यूज कर लेते हैं। तो आईजीएसटी पूरा का पूरा खत्म हो गया, आईजीएसटी पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब अगले पर आ जाओ सीजीएसटी। अब सीजीएसटी में देखो 90,000 में से 20,500 चला गया, कितना बचा यहां पे 69,500। तो पूरा यूज कर लो क्योंकि मुझे 84,000 लेने हैं, 69,500 देने हैं, पूरा का पूरा यूज हो जाएगा जी। उसके बाद फिर यहां पे आ जाओ एसजीएसटी। अब 90,000 में से 20,500 ये चला गया तो 69,500 ये भी यूज हो जाएगा। अब अगर आप चेक करोगे तो लाइबिलिटी जो बचेगी वो बचेगी नील, यहां पर भी बचेगी नील और यहां पर बचेगी नील। मतलब मुझे गवर्नमेंट को 1 रुपया भी नहीं देना, मुझे गवर्नमेंट को 1 रुपया भी नहीं देना, मेरी लाइबिलिटी हो चुकी है नील। बल्कि पैसा मुझे गवर्नमेंट से लेना है। अब कितना पैसा मुझे लेना है बताओ। तो भाई साहब अब यहां पे 84,000 में से 69,500 तो 14,500 रुपए का जो क्रेडिट है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इसका, और 87,69,500 में से 17,500 रुपए का क्रेडिट जो है वो कैरी फॉरवर्ड इसका हो जाएगा। आईजीएसटी खत्म हो चुका है, आईजीएसटी कुछ नहीं बचा जी। ये इसका आंसर निकल के आएगा जी। तो ये आपका आंसर है। अब बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी जी। क्या इसको लॉक कर सकते हैं जी, क्या इसको हम लॉक कर सकते हैं? पक्का पक्का जी, अब कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब तुम्हारे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया कि तुम्हें आईटीसी का थोड़ा सा बेसिक समझ में आ गया, ठीक है। इतना तो क्लैरिटी हो गई कि आईटीसी का बेस तुम्हारा क्लियर हो गया कि जो भी आईटीसी वर्ड तुम आज तक सुनते थे अगर आपने बेसिक नहीं समझा होगा, आई थिंक अब आपके दिमाग में क्लैरिटी आ गई होगी कि आईटीसी का बेसिक क्या है, कि आईटीसी यूज कैसे करना होता है, इस तरह से हम आईटीसी को यूज करते हैं। बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी?
क्या बात मेरी समझ में आ रही है आया, 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 मेरे बच्चा ये लो हाई फाई। बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त जी, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ फटाफट से लास्ट क्वेश्चन पे आओ जी। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाओ। इसमें आपको बताना है अगेन वही कि नेट जीएसटी कितना देना है। इसमें थोड़ी सी तुम्हें दिक्कत हो सकती है, अगर तुम क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत होगी। अगर तुम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ दोगे ना, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, अगर तुम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे। अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे इसमें तुम्हें दिक्कत होगी जी। एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं, आ जाओ जी सारे के सारे, एक बार फटाफट से आ जाओ। क्वेश्चन देखो यहां पे, क्वेश्चन जी आ जाओ फटाफट से। सर इट विल बी बेटर टू कैरी फॉरवर्ड आईजीएसटी अमाउंट। अरविंद भाई साहब नहीं कर सकते भाई, मेरे नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते ना। आईजीएसटी क्रेडिट तुम कैरी फॉरवर्ड भाई नहीं कर सकते। पहले तुम्हें आईजीएसटी क्रेडिट खत्म करना होगा, तब जाके तुम सीजीएसटी पे आओगे भाई। 11वीं क्लास है आज हमारी, डेली आते हो नहीं आते फिर? अब गलत हो गया इस बात को बोलते बोलते कि आईजीएसटी क्रेडिट खत्म किए बिना तुम पहले आगे बढ़ ही नहीं सकते, तो वो बचा कैसे लोगे तुम? सबसे पहले खत्म ही हमें आईजीएसटी करना है, नालायक। हाँ हाँ करो, आप करो जी, जल्दी करो जी। जल्दी करो फटाफट से जी। हाँ तो गौरव, अब सारे बच्चे थोड़ा लाइव बैठे होते हैं नालायक। भाई यहां पे फेक काम नहीं चलता, कहीं तुम्हें लग रहा है कि यहां लाइव फेक है, उस दिन पढ़ाना ही छोड़ दूंगा। अब वो प्रॉब्लम क्या है, आज कई चैनल पे होती है आजकल लाइव फेक चल रही होती है, होते 50 है दिखाते 250 है कि चलो सामने वाले को लगे 250 है, 300 350 400 500 600 तक भी पहुंच जाते हैं, तो उस दिन पढ़ाना ही छोड़ दूंगा भाई। भगवान का दिया बहुत कुछ है, ऐसा काम नहीं करूंगा बिल्कुल भी नालायक। हां जी जल्दी बताओ फटाफट से जी। हाँ तो शिवाली फर्स्ट टाइम रिवीजन क्लास से पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा दिक्कत है। हाँ जी फटाफट से बताओ इसका आंसर कितना आएगा जी, जल्दी बताओ फटाफट से जी, कितना आंसर आएगा इसका? फटाफट से बता दो मेरे दोस्तों कितना इसका आंसर आएगा, जल्दी बताओ। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। एक बात मेरे को बताओ, यहां पे कह रहा है बानी एग्रो ट्रेडर लोकेटेड एट जयपुर एंड एंगेज इन द बिजनेस एज रिटेल ट्रेडर प्रोवाइड द फॉलोइंग इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई दी है। अब वो कह रहा है रेट ऑफ टैक्स अंडर आईजीएसटी ऑन द गुड्स 5, 12, 12, 18 यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आईजीएसटी पेबल एंड द डेट ऑन विच इसकी ड्यू डेट क्या बनेगी वो भी आपको बताना है और मंथ ऑफ जुलाई 2022 आफ्टर अवेलिंग आईटीसी। अब एक बात में बताओ, इसने ना बता दिया कि ये इंटर स्टेट है, ऐसा कैसे बता दिया? इसने आईजीएसटी की बात की है, तो मतलब कहना क्या चाह रहा हूं, अब ये आपकी इनवर्ड सप्लाई है, ये आपकी आउटवर्ड सप्लाई है और दोनों पे जीएसटी का रेट हमें दिया हुआ है, तो करना क्या है बताओ? इससे आसान क्वेश्चन क्या बनेगा भाई, इससे गिरा हुआ क्वेश्चन क्या बनेगा? एक बात मेरे को बताना यार, यहां पे 1,00,000 रुपए की शुगर कैंडीज है उसपे 5% जीएसटी है, ये इनवर्ड सप्लाई है। फिर 80,000 रुपए की चॉकलेट है इसपे कितना जीएसटी है? 12%। फिर 75,000 रुपए की वेफर्स है इसपे 12% जीएसटी है और बिस्किट है 50,000 रुपए के इसपे 12% जीएसटी है। तो इतना टोटल मेरा आईटीसी आ गया जो पैसा मुझे लेना है, दैट इज माय इनवर्ड सप्लाई, इतना पैसा मुझे लेना है। आउटवर्ड सप्लाई में देख लो यहां पे, आउटवर्ड सप्लाई 1,20,000 पे 5% जीएसटी, फिर 1,00,000 पे 12% जीएसटी, फिर 60,000 पे 12% जीएसटी, फिर
50,000 रुपए के ऊपर यहाँ पे 12% आएगा, 18% आएगा, 18% यहाँ पे आएगा 18% और यहां पर भी कर लो 18%। ठीक है, अब ये मेरी लाइबिलिटी निकल के आ गई। अब एक बात मेरे को बताना फटाफट से जी, अब एक बार यहाँ पे चेक करके बताओ फटाफट से क्या हो रहा है यहाँ पे। तो 1,00,000 का 5%, 80,000 का 12%, 75,000 रुपये का 12%, 50,000 रुपये का 18%, तो टोटल आ गया 32,600 रुपये का ITC आ गया जी, 32,600 रुपये का ITC आ गया। ठीक है जी, उसके बाद फिर यहां पर 1,30,000 रुपए का 5%, 1,00,000 रुपए का यहां पे 12%, 60,000 रुपए का यहां पे 12% और 50,000 रुपए का यहां पे 18%, तो ये टोटल हो गया 34,200 रुपए। अब सारे बच्चे मेरे को बोल दो आउटवर्ड सप्लाई 34,200 है और इनवर्ड सप्लाई 32,600 है, तो 32,600 लेने हैं, 34,200 देने हैं, तो नेट मुझे कितना देना होगा जी? अब अगर इसमें से माइनस कर दूंगा 32,600 तो 1,600 रुपए की नेट GST लाइबिलिटी मेरी निकल के आ जाएगी। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है जी? ठीक है जी, तो 1,600 रुपए की नेट आपकी लाइबिलिटी निकल के आएगी। पर इनवर्ड सप्लाई का GST निकाल दिया, आउटवर्ड सप्लाई का GST निकाल दिया, तो आउटवर्ड में से इनवर्ड वाला माइनस कर दिया, नेट 1,600 रुपए की लाइबिलिटी आपकी निकल के आ रही है, यह आपका आंसर आएगा जी। नहीं नहीं ओए काजल, मिक्स सप्लाई कैसे आई है? इसने सारा सिंगल प्राइस पे सेल थोड़ा की है, सेपरेट प्राइस है नालायक। मिक्स सप्लाई का मतलब क्या होता है कि सारी की सारी आइटम सिंगल प्राइस में सेल कर दी हूं, तो वो मिक्स सप्लाई होता है। ये मिक्स सप्लाई कहां से आ गया? अगर मिक्स सप्लाई होता तो मैं तुम्हें क्वेश्चन देता ही नहीं, वो पॉइंट अभी हमारा हुआ ही नहीं है। मैंने वही 3 क्वेश्चन टेस्ट में दिए हैं जो पॉइंट हमारे हो चुके हैं आज। ठीक है जी, अब एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ, इधर देखो ध्यान से इसका आंसर देख लो। देखो इन्होंने आंसर ऐसे निकाला है जी, अब यहां पे ये वैल्यू है, ये रेट है, ये टैक्स आ गया 34,200 देखो। ठीक है, ये आउटवर्ड सप्लाई आ गया, फिर यहां पे आ गया इनवर्ड सप्लाई पे इनपुट टैक्स, तो ये आ गया 32,600। फिर अब यहां पे अगर आप नेट देखोगे तो 32,600 यहां पे माइनस करके बाद 1,600 रुपए आपका नेट GST निकल के आ रहा है, ये आपका आंसर है जी। ठीक है, तो फाइनली अब जाके 3 क्वेश्चन हमारे खत्म हो चुके हैं, और कसम से अगर आपके 3 में से 2 भी सही है ना, अपने ऊपर सारे बच्चे ऐसे करो 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 करो, अपने आपको रिवॉर्ड देना सीखो, ऐसे करो कि भाई साहब तुम्हें अब आ गया, बाकी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और मजबूत होगा, बट फिर भी तुम्हें बेसिक क्लास के अंदर ही ना बहुत कुछ समझ में आ गया। अप्रिशिएट करो अपने आपको कि तुमने 2 क्वेश्चन देकर सही कर लिया, और अगर तीनों सही हो गए फिर तो भाई कमाल ही कर दिया तुमने जी। अगर तीनों सही है फिर तुमने कमाल कर दिया। चलो जी, बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड जी, जिनके भी तीनों सही हैं उनके लिए मैं ताली बजाता हूं, बहुत बढ़िया जी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू जी। चलो जी, इधर देखो ध्यान से, अब एक बार फाइनली हम इसको पैक करने जा रहे हैं जी। अब ये 3 क्वेश्चन का होमवर्क हमारा हो चुका है, अब हम फाइनली आ रहे हैं आज की क्लास पे जी। चलो जी, अब हम फाइनली आ रहे हैं जी आज की क्लास में जी। ठीक है जी, आपका टेस्ट भी हो गया, अभी तक जो भी हमने किया था उसका टेस्ट भी कंप्लीट हो गया, अब फाइनली हम आज वाली क्लास के अंदर आ रहे हैं, जो आज वाली क्लास में हमें नया टॉपिक स्टार्ट करना है, अब हम उसके ऊपर आना चाह रहे हैं जी। अब एक बार सारे के सारे बच्चे बिल्कुल सीधो के बैठ जाओ, बिल्कुल बिल्कुल सीधो के बैठ जाओ जी। अब अभी तक हमने GST में क्या किया, अभी तक हमने GST में ना तो GST का सारा बेसिक देख लिया, और जो भी ITC का बेसिक था वो भी देख लिया, 0 रेटेड सप्लाई क्या होती है वो भी देख लिया, ITC को यूज कैसे करना होता है वो देख लिया, मैनर देख लिया, ऑर्डर देख लिया, वो सारी की सारी बेसिक बेसिक बातें जो हैं वो सारी की सारी हमारी हो चुकी हैं जी। अब हम फाइनली अब हम GST का फ्लो पकड़ने जा रहे हैं, ताकि हमारे मेन बड़े बड़े चैप्टर जो हैं अब धीरे धीरे आने स्टार्ट हो जाएंगे जी। चाहे वो हमारा सप्लाई का चैप्टर है, चाहे वो कॉम्पोजिशन लेवी का चैप्टर है, चाहे वो ITC वाला चैप्टर है, चाहे वो पेमेंट वाला चैप्टर है, चाहे वो ईवे बिल वाला चैप्टर है, कोई भी चैप्टर है, अब वन बाय वन उन चैप्टर की रिवीजन अब धीरे धीरे हमारी स्टार्ट हो जाएगी जी। पर उन चैप्टर की रिवीजन पे आने से पहले आज वाली क्लास का सबसे मेन पॉइंट ये है कि उन चैप्टर की रिवीजन पे आया कैसे जाए। तो याद करो, जो बच्चे मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे होंगे या जो बच्चे VGO वाले होंगे, तो उनको पता होगा कि क्लास के अंदर ना हमने GST का रोड मैप किया था, कि जो भी हम GST पढ़ रहे हैं उसका एक प्रॉपर रोड मैप है, उसका एक फ्लो है कि हमारा GST आगे कैसे बढ़ेगा।
प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी तुम जीएसटी में काम करोगे, अगर कोई भी क्वेरी तुम्हारे पास आती है, कोई भी क्लाइंट अगर तुम्हारे पास आता है, अपनी क्वेरीज को इस डायग्राम के अंदर डाल देना, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा जी। भाई सब कराऊंगा यार, आईटीसी ब्लॉक वाला फिर वही बात कर रहे हो यार। जब मैंने कहा पूरा आईटीसी का चैप्टर करेंगे तो करेंगे ना, इधर देख लो ध्यान से नालायक। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि अब जीएसटी में ना टोटल मिला के आपके 13 चेक पॉइंट है, मतलब 13 चेक पॉइंट है, 13 गेट है जो हमें जीएसटी में समझने हैं, जिसके बेस पर हम जीएसटी में आगे चल सकते हैं। एक बच्चा ये बात कहता है, सर सर, मैंने कहा हाँ हाँ सर, एक बात बताओ, ये जीएसटी में चेक पॉइंट का मतलब क्या होता है? ये जीएसटी में जो हमारे गेट बने हुए हैं, ये जीएसटी में गेट का मतलब क्या है? तो चेक पॉइंट का मतलब यह है कि जब भी तुम जीएसटी पढ़ोगे तो हर चेक पॉइंट से गुजरना पड़ेगा आपको, तब जाके तुम्हें जीएसटी समझ में आएगा। सर एक बात मेरे को बताओ, आप मार्केट में कभी जाते हो, बाहर एक रेडी वाला खड़ा है, आप मान लो क्लास के बाद गए, आपने कहा भाई थकावट हो गई, भाई ऐसा कर थोड़ा सा ना घूम के आते हैं। आप थोड़ा सा घूमने के लिए गए, बाहर एक रेडी वाला खड़ा था, बाहर एक रेडी वाला खड़ा था तो मोमोज वाला था, आपका मन किया मोमोज खाने का जी। आप मोमोज वाले रेडी पे खड़े हो गए, आपने बोला भैया मोमोज देना, उसने कहा 20 रुपए की प्लेट है, 20 रुपए की हाफ प्लेट है। आपने मोमोज खाए, आपके हाथ में मोमोज, उसमें चटनी, चटनी के साथ आपने मोमोज, भैया थोड़ी सी और चटनी डालना, आप ऐसे कर रहे हो, बट आपने एक ध्यान दिया, उसने आपको 20 रुपए या 40 रुपए के मोमोज दिए, उस मोमोज के ऊपर जीएसटी उसने नहीं लगाया। और वही मोमोज अगर आप, एक ब्रांड है मोमो, एक ब्रांड है मोमो करके, पता नहीं कोई ब्रांड है, तो उस पर अगर आप जाओगे तो मोमोज पे वो जीएसटी लगाता है। आज अगर मान लो बाहर आप रेडी पे गए, तो फॉर एग्जांपल बाहर रेडी पे सांबर डोसे वाला खड़ा था, अब डोसा सांबर वाला खड़ा था या इडली वाला खड़ा था या वड़े वाला खड़ा था, आपने कभी एक सांबर लगाना, एक सांबर डोसा लगाना? आपने एक मसाला डोसा लिया, उसने आपको डोसा दिया, उस रेडी वाले ने डोसा दिया, उस पर जीएसटी नहीं लगाया उसने। और वही मसाला डोसा अगर आप सर्वना भवन पे खाओगे या नवेदन में खाओगे तो उनके बिल में जीएसटी लगा होता है। फिर बाहर आप निकले तो बाहर एक रेडी वाला खड़ा था जी, रेडी वाला खड़ा वो पिज्जा बना रहा था, आपने कहा यार पिज्जा खाने का मन कर, ला पिज्जा ला यार, आपने पिज्जा लिया, उसने पिज्जा दिया, आपने पिज्जा खाया, उसके पिज्जे पे जीएसटी नहीं है। अब पिज्जे पे जीएसटी नहीं है, वही पिज्जा अगर डोमिनोज पे जाके खा रहे हो, डोमिनोज वाले जीएसटी अप्लीकेबल कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो जीएसटी क्यों नहीं लगा पा रहे। अब आप सब कह रहे हैं गाबा सर एग्जाम्पल चेंज करो, क्यों चेंज करूं मैं एग्जाम्पल, मैं लूंगा गोलगप्पे का एग्जाम्पल, मैं लूंगा टिक्के का एग्जाम्पल, मैं भल्ले पापड़ी का भी एग्जाम्पल लूंगा, मैं दही भल्ले का भी एग्जाम्पल लूंगा, मैं मोमोज का भी लूंगा, मैं चटनी का भी लूंगा, मैं पिज्जा का भी लूंगा, मैं बर्गर का भी लूंगा, मेरा जो मन करेगा वो लूंगा। बच्चा कह रहा तेरी ऐसी की तैसी, ले एग्जाम्पल, हम भी तेरी क्लास छोड़ के अभी बीच में जा रहे हैं, नहीं देखनी हमें तेरी क्लास, भूख लगती है हमें तेरी क्लास देख के, आदत पड़ गई है तेरी हमें। कई बच्चों को आदत पड़ गई है मेरी, बच्चा कहता है आपको नहीं देखते तो मन ही नहीं लगता, ओ माय गॉड आई लव यू टू। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि अब समझ में नहीं आ रहा कि भाई वो जीएसटी क्यों नहीं लगा रहे। अब अगर वो जीएसटी क्यों नहीं लगा रहे, उसका रीजन तुम्हें आज फाइंड आउट होगा कि उस पर वो जीएसटी क्यों नहीं लगा रहे। तो जीएसटी में टोटल मिला के ना आपके 13 चेक पॉइंट हैं जो 1 by 1 हमें चलना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। अब सबसे पहला चेक पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, सारे बच्चे ध्यान दें, चेक पॉइंट नंबर 1, अगर आपको कभी भी जीएसटी की बात करनी है तो सबसे पहला चेक पॉइंट नंबर 1 आपको यह देखना है कि अगर मान लो मेरे हाथ में यह डमरू है, अब अगर आप मान लो मेरे हाथ में डमरू है और मुझे चेक करना है कि डमरू पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, सबसे पहला क्वेश्चन है क्या ये डमरू गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में कवर भी है या नहीं है। सर बाकी सारी बातें तो बात नहीं है, बच्चा कह रहा है सर वो जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, रानी कुमारी कह रही है, एक बच्चा कह रहा है वो थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, एक बच्चा कह रहा है उसकी लिमिट ही क्रॉस नहीं हो रही, ये बातें बहुत बाद की हैं भाई मेरे। मैंने कहा ना वही बात, जो हमें समझाया गया वो हमने समझ लिया, जो समझाया नहीं कि हमें लगा वो बुक में है ही नहीं। आप सिंपल सी बात समझना सर, आपको सबसे पहला क्वेश्चन ये देखना पड़ेगा भाई जो ये आइटम है जिसपे जीएसटी की बातें हो रही हैं क्या वो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में कवर भी है या नहीं है। सर अगर मान लो डमरू जो है अगर वो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में कवर ही नहीं है, भगवान श्री कृष्ण अगर धरती पर आकर कह दें मैं जीएसटी लगाना चाहता हूं, नहीं लगेगा भाई जीएसटी नहीं ही लगेगा, हम भगवान को वापिस भेज देंगे, जीएसटी लग नहीं सकता बस। अब बच्चा ये बात कहता है सर क्या गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन जीएसटी एक्ट में डिफाइन की हुई है,
ये आप हमारे मजे ले रहे हैं डिफाइन की हुई है। और अगर कोई बच्चे जो होंगे वीजीओ वाले, ये जो बच्चे रेगुलर बैच वाले बच्चे होंगे, उनको पता होगा, याद करो सेक्शन 2 क्लोज नंबर 52 गुड्स की डेफिनेशन है और 2102 में सर्विस की डेफिनेशन है। गुड्स भी डिफाइन है और सर्विस भी डिफाइन है। ये रहा मेरे बच्चे त्रिशूल, ये रहा मेरे बच्चे ये रहा त्रिशूल, महादेव का त्रिशूल, ये रहा मेरे बच्चे त्रिशूल है, खाने का मन कर रहा है क्या त्रिशूल तुम्हारा, इधर देखो ध्यान से नलायको। तो यहां पे सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है कि भाई साहब कि अगर मान लो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन डिफाइन है तो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में कुछ चीजें कवर ही नहीं है। अब जो चीजें गुड्स और सर्विस से बाहर है ना तो वो चेक पॉइंट नंबर 1 से बाहर है, उन पे जीएसटी की बात ही नहीं होगी। चलो सर मान लो ये जो आपका डमरू है, मान लो ये गुड्स वाली डेफिनेशन में कवर हो जाता है। अब गुड्स में क्या कवर होगा क्या कवर नहीं होगा हम आगे जाके देखेंगे, बट अभी इतना समझो कि मान लो ये डमरू गुड्स या सर्विस इनमें से किसी भी डेफिनेशन में कवर हो जाता है। तो अगर ये गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में कवर हो गया तो क्या इस पर जीएसटी लगा दूं? नहीं। एक बात मेरे को बताओ सर, मेरे हाथ में ये डमरू है, अब अगर मेरे हाथ में ये डमरू है, अब ये डमरू ना तो कहीं आ रही है ना ये कहीं जा रही है, ये खड़े खड़े मुस्कुरा रही है। अब ये डमरू ना तो कहीं आ रही है ना ये कहीं जा रही है, खड़े खड़े मुस्कुरा रही है, तो क्या इसके खड़े होने पर जीएसटी है क्या? अगर ये डमरू यहां पर एजडीज पड़ा हुआ है, क्या इसके एजडीज पड़े होने पर जीएसटी है क्या? नहीं। गवर्नमेंट कह रही है इस डमरू में कोई हलचल होनी चाहिए, इस डमरू में कोई हरकत होनी चाहिए। अगर इस डमरू में कोई हलचल है कोई हरकत है तभी इस पे जीएसटी लगेगा। अगर कोई हलचल और हरकत नहीं है ना तो इस पे जीएसटी एप्लीकेबल भी नहीं होगा। और उस हलचल और हरकत को हम नाम देते हैं सप्लाई। जब तक ये डमरू की सप्लाई नहीं करोगे भाई जीएसटी लगेगा नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जीएसटी का सप्लाई क्या है? सप्लाई डिफाइन है सेक्शन 7 में, सप्लाई डिफाइन है सेक्शन 8 में। सप्लाई के बारे में शेड्यूल 1 बात करेगा, सप्लाई के बारे में शेड्यूल 2 बात करेगा, सप्लाई के बारे में शेड्यूल 3 बात करेगा। हम आगे रहकर चेक करेंगे ये सारी बातें क्या बोलती हैं, बट सेकंड चेक पॉइंट ये है कि आप ये चेक करो कि वो सप्लाई में कवर भी है या नहीं है जी। सर मान लो ये सप्लाई में कवर है, मान लो ये सप्लाई में कवर है, भाई आपने इस डमरू को बेचा और डमरू को बेचना सप्लाई की डेफिनेशन में कवर हो गया, मान लो ये सप्लाई में कवर है। तो अगर मान लो सप्लाई में कवर है तो क्या जीएसटी लगेगा? तीसरा चेक पॉइंट ये है कि ये चेक करो इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी में है या नहीं है, क्योंकि अगर इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, मैं ये डमरू इंडिया से बाहर बेच रहा हूं, अब अगर डमरू इंडिया से बाहर बेच रहा हूं तो भैया एक्सपोर्ट वाला केस है, एक्सपोर्ट वाले केस में जीएसटी लगता ही नहीं है। तो अगर एक्सपोर्ट वाले केस में जीएसटी नहीं है तो डमरू गुड्स है, ये बेचना सप्लाई है, बट जीएसटी की बातें नहीं होंगी। रीजन बीइंग क्योंकि भैया एक्सपोर्ट वाले केस में जीएसटी है नहीं, प्लेस ऑफ सप्लाई नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, जीएसटी की बातें नहीं होंगी। अब एक बच्चा कह रहा है सर मान लो ये डमरू आपने इंडिया में ही बेचा है, अब अगर ये मान लो डमरू आपने इंडिया में ही बेचा है, अब ये डमरू गुड्स है। हेलो गाबा, ओए ओ गाबे, इधर इधर इधर, डमरू गुड्स है, इसको बेचना सप्लाई है, सप्लाई आपने इंडिया में की है, अब क्या जीएसटी लग जाएगा? ना, अभी भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अब यह चेक करना पड़ेगा कि जो तुम डमरू की सप्लाई कर रहे हो तुम्हारी पूरे सेल में कितनी सेल है। सर जीएसटी में ना आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, 10 लाख की लिमिट अलग है, 20 लाख की लिमिट अलग है, 40 लाख की लिमिट अलग है, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा क्या पूरे साल की एग्रीगेट टर्नओवर तुम्हारी थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर है या नहीं है। जो बच्चे आप बातें बोल रहे थे वो चेक पॉइंट नंबर 4 के अंदर है कि बेचने वाला टैक्सेबल पर्सन भी होना चाहिए। बाहर सर जितने रेडी वाले ना, बाहर सर जितने रेडी वाले हैं, बाहर सर जितने भी रेडी वाले बाहर खड़े हैं वो सारे के सारे नॉन टैक्सेबल पर्सन है। ठीक है, बाहर जितने भी रेडी वाले हैं वो सारे के सारे नॉन टैक्सेबल अपना पर्सन है, वो टैक्सेबल पर्सन वाली कैटेगरी में ही कवर नहीं है क्योंकि उनकी सेल जो है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है। बच्चा कह रहा है सर मान लो मेरी सेल थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है, भाई 10 लाख 20 लाख या 40 लाख जो भी लिमिट है, मेरी टर्नओवर उससे ऊपर है तो गवर्नमेंट कह रही अगर तुम्हारी टर्नओवर उससे ऊपर है तो फिर लास्ट पॉइंट बस ये है, हमें ये देखना है कि कहीं ये डमरू एग्जम्पशन लिस्ट में कवर तो नहीं है। एक बच्चे ने बोला सर रजिस्टर्ड पर्सन मींस, रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब होता है जो आदमी जीएसटी में रजिस्टर्ड है। आपको जब भी अपने बिल पे जीएसटी लगाना होता है तो सबसे पहले जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। एक बच्चे ने बोला सर थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब होता है एग्जम्पशन लिमिट।
मैं आपको दोबारा से रिवाइंड करवा दूं, ये हमारा रिवीजन क्लास है। आप अगर चाहते हैं जीएसटी 60 लेक्चर चले तो वो आपके ऊपर है, बट मैं चाहता हूं 30 में रिवाइज हो जाए, तभी हम इनकम टैक्स को अच्छे से कर पाएंगे जी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पहले पढ़ के आया करो, जो आपने पहले कभी ना कभी पढ़ा हुआ है थोड़ा सा अगर गो थ्रू करके आओगे तो बातें आपको समझ में आया करेंगी। तो सिंपल सी बात है कि भैया थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब एग्जम्पशन लिमिट, कि जीएसटी में एग्जम्पशन लिमिट होती है 10 लाख है, 20 लाख है, 40 लाख है, उसके बेस पे जीएसटी लगता है। अब अगर तुम्हारी टर्नओवर उतनी है ही नहीं तो आप जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हो तो जीएसटी की बातें भी नहीं होंगी। सर मान लो ये गुड्स है जी, अब मान लो ये गुड्स है और ये सप्लाई भी कवर है, ये इसकी सप्लाई भी इंडिया में हो रही है और मान लो ये टैक्सेबल पर्सन भी है। अब अगर मान लो टैक्सेबल पर्सन भी है तो अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि क्या ये डमरू एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे गुड्स और बहुत सारी सर्विस जीएसटी में एग्जम्प्ट हैं। वो हमें चेक करना पड़ेगा, उस लिस्ट में चेक करना पड़ेगा कि कहीं ये डमरू एग्जम्पशन लिस्ट में कवर तो नहीं है, क्योंकि अगर ये डमरू एग्जम्पशन लिस्ट में कवर हो गया तो इस पे जीएसटी लेवी तो होगा बट कलेक्शन नहीं होगा। रीजन क्योंकि डमरू एग्जम्पशन लिस्ट वाली कैटेगरी में कवर है। हमें को सारे बच्चे बस ये बता दो, टोटल मिला के 5 चेक पॉइंट ऐसे हैं जो ये डिसाइड करवाएंगे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। वन बाय वन बोलना स्टार्ट करो। सबसे पहला बताओ, सबसे पहला चेक पॉइंट क्या बताओ, सारे बच्चे बोलो जी, सबसे पहला चेक पॉइंट क्या है, हम क्या चेक करेंगे, आंसर दो मुझे जी। सारे बच्चे मेरे को आंसर दो, सबसे पहले हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे बताओ, बोलो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे। हम पहला चेक करेंगे कि ये गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में कवर है या नहीं है। दूसरा हम क्या चेक करेंगे, ये सप्लाई की डेफिनेशन में कवर है या नहीं है। तीसरा क्या चेक करेंगे, इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी में है या नहीं है। चौथा हम क्या चेक करेंगे, ये सप्लाई करने वाला टैक्सेबल पर्सन है या नहीं है। पांचवा हम क्या चेक करेंगे कि एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर है या नहीं है। अगर ये पांचों गेट में कहीं पर भी कवर हो जाता है तो जीएसटी नहीं देना, अगर जीएसटी को लगाना है तो ये पांचों गेट हमें क्रॉस करने पड़ेंगे तब जाके कहीं जीएसटी लगेगा जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है, क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है। तो ये पांचों गेट अपने दिमाग में सेट करना। अब देखो यहां पे जी, सबसे पहले यहां पे चेक करो, हम चेक करेंगे गुड्स और सर्विस, अगर यस तो आगे बढ़ेंगे, नो तो नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी। फिर हम सेकंड चेक करेंगे कि वो सप्लाई के डेफिनेशन में कवर है, नहीं है तो जीएसटी नहीं है, अगर है चेक पॉइंट नंबर 3। चेक पॉइंट नंबर 3 में क्या वो टैक्सेबल टेरिटरी में है, अगर टैक्सेबल टेरिटरी में है तो आगे बात होगी, नहीं है तो कोई जीएसटी नहीं है। अगर वो टैक्सेबल पर्सन नहीं है तो जीएसटी नहीं है, अगर वो टैक्सेबल पर्सन है तब हम आगे बढ़ेंगे। फिर चेक करेंगे वो 100% एग्जम्पशन में कवर तो नहीं है, अगर है तो भैया जीएसटी नहीं देना, अगर नहीं है तब कहीं जाके जीएसटी लगेगा और जीएसटी हमें देना पड़ेगा जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है। सर बच्चे लाइव अटेंड नहीं करते, आप वीडियो प्राइवेट कर देना, दिल के अंदर दिल है ना मेरे, बस दिल के अंदर पत्थर जिस दिन आ गया तो प्राइवेट कर दूंगा, क्योंकि जब कोई इंसान अपने करियर से ही प्यार नहीं करेगा तो मैं इतना मर्जी फोकस कर लूं फोर्स कर लूं होना उसका कुछ नहीं है। अब सबको अपने अपने काम है, सब अपना अपना बिजी, हम क्या कर सकते हैं नालायक कहीं के। हाँ नहीं, यहां तक दिक्कत तो नहीं है, क्या इसको लोग कर सकते हैं जी। तो पांचों गेट हमने यहां पर देख लिए, इन पांचों गेट से बाहर जाके अब जीएसटी लेविड एंड कलेक्शन की बात होगी। अब एक बात मेरे को सारे बच्चे बताना, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर इन पांचों गेट में कहीं पर भी कवर नहीं हुआ तो क्या अब मेरे को जीएसटी देना पड़ेगा बताओ। सारे बच्चे बताओ, अगर मैं इन पांचों गेट में कहीं पर भी कवर नहीं हुआ तो क्या मेरे को जीएसटी देना पड़ेगा, यस या नो बताओ जी। जल्दी बताओ, क्या मेरे को जीएसटी देना पड़ेगा। जल्दी बताओ जी, अगर मैं इन पांचों गेट में, अरे मैं कह रहा हूं इन पांचों गेट को क्रॉस कर दिया मैंने, अरे नालायको मतलब इन पांचों गेट को मैंने क्रॉस कर दिया, मतलब ये गुड्स भी है ठीक है, सप्लाई भी है, सप्लाई इंडिया में है, मैं टैक्सेबल पर्सन भी हूं और एग्जम्पशन में कवर नहीं है। अब बताओ, मैं इन पांचों गेट में कहीं पर भी कवर नहीं हो रहा, क्योंकि अगर कवर हो जाता तो जीएसटी नहीं देना पड़ता, अगर मैं पांचों गेट में कहीं पर भी कवर नहीं हो रहा तो क्या मेरे को जीएसटी देना पड़ेगा, क्या मेरे को जीएसटी देना पड़ेगा, यस। अब सारे बच्चे बोल दो, अगर मेरे को जीएसटी देना पड़ेगा, मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, अगर
मेरे को जीएसटी निकालने हैं, बताओ मेरे को जीएसटी निकालने के लिए कितनी चीरे चाहिए बताओ जी। सारे बच्चे मेरे को आंसर दो, मेरे को जीएसटी निकालने के लिए कितनी चीरे चाहिए बताओ, क्या क्या चाहिए जी? एक तो चाहिए वैल्यू और एक चाहिए रेट। अब अगर मैं वैल्यू को रेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या निकल कर आएगा? मेरा जीएसटी निकल कर आएगा, ऑब्वियस सी बात है। मैं अगर वैल्यू को रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा जीएसटी निकल कर आएगा। तो सबसे मेन क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि भैया वैल्यू कैसे निकलनी है। तो जो हमारा अगला चेक पॉइंट नंबर सिक्स है, चेक पॉइंट नंबर सिक्स हमारा है वैल्यू ऑफ सप्लाई, कि हमें सेक्शन 15 बताएगा कि तुम्हें वैल्यू कैसे निकालनी है। अब एक बच्चा मेरे सामने बैठा है, यार गाबा एक बात बता। ओए गाबा, ओ गाबा, हेलो सुन, हेलो तुम्हारी बात कर रहा हूं इधर, कि जो ये तुम कह रहे हो कि वैल्यू निकालनी है, वैल्यू क्यों निकालनी है? आप हमें कोई रीजन दे सकते हैं कि वैल्यू क्यों निकालनी है? हम जितनी फीस पे करते हैं उस फीस पे जीएसटी लगता है, वैल्यू क्यों निकालनी है? मार्केट से हम कोई भी सामान परचेस करके आते हैं, अगर उस सामान को हम परचेस करके आते हैं उस प्राइस पे जीएसटी लगता है, वैल्यू क्यों निकालनी है? आज तक हम कहीं पर भी गए, जो भी प्राइस हमने पे किया उस वैल्यू पे जीएसटी लगा, वैल्यू क्यों निकालनी है? हमने तो कहीं वैल्यू निकाली नहीं, दुनिया जहान की हम शॉपिंग करके आ गए, आज तक वैल्यू नहीं निकाली। क्योंकि तुमने वैल्यू इसलिए नहीं निकाली क्योंकि तुम दो कंडीशन सेटिस्फाइड करते हो। आप चेक करना, आज तक जो भी आपने सामान परचेस किया है तुम दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करते हो। कौन सी दो कंडीशन? इमेजिन करना आज बैठ के सोच के तुम्हें अप्रिशिएट फील होगा कि जो तुम समझ रहे हो वो बहुत बढ़िया चीज समझ रहे हो। दो कंडीशन कौन कौन सी? पहली कंडीशन, जिनसे भी तुम सामान लेके आते हो वो तुम्हारे नोट रिलेटेड पार्टी होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा जान पहचान के होते हैं, जान पहचान इज नोट रिलेटेड पार्टी, वो तुम्हारे रिलेटेड पार्टी नहीं होते, वो अनरिलेटेड पार्टी होते हैं, सॉरी वो अनरिलेटेड पार्टी होते हैं। और जो भी तुम प्राइस पे करते हो वो 100% सोल कंसिडरेशन होता है, मतलब पैसा मनी फॉर्म में होता है, कैश या चेक या ड्राफ्ट या ऑनलाइन। आप चेक कर लो आपने सारा ऐसा काम किया होगा जी। अब अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड तुम कर रहे हो, भाई सामने वाला और तुम रिलेटेड पार्टी नहीं हो और प्राइस भी एक सोल कंसीडरेशन है, मतलब सारा पैसा मनी फॉर्म में है, तो भाई जो वैल्यू तुम देख के आ रहे हो ना उसी वैल्यू को वैल्यू मानते हैं। एक बच्चा कह रहा है फिर एक बात बता, फिर वैल्यू की रिक्वायरमेंट कहां पड़ती है? हाँ जी इधर, वैल्यू की रिक्वायरमेंट कहां पड़ती है, फिर हमें वैल्यू कहां निकालनी है? मैं आपको रीजन देता हूं, मैंने आपको सर्विस दी, मैंने गुड्स बेचा, आपने मुझे पैसा मनी फॉर्म में नहीं दिया, कुछ मनी में दिया कुछ नॉन मनी में दिया, बताओ नॉन मनी की वैल्यू निकालनी नहीं पड़ेगी? आपने सारा पैसा मुझे नॉन मनी फॉर्म में दिया, क्या वैल्यू निकालनी नहीं पड़ेगी? मैं आपका रिलेटेड पार्टी हूं तो गवर्नमेंट को डर है प्राइस में फ्लक्चुएशन हो सकती है, क्या वैल्यू निकालनी नहीं पड़ेगी? तो इन सब के लिए गवर्नमेंट कह रही है हमने चैप्टर बनाया वैल्यूएशन का। और इवन अगर पैसा मनी फॉर्म के अंदर भी है ना, या तो जिसने जीएसटी पहले पड़ा है उसमें भी कुछ इंक्लूजन करते हैं, कुछ इंक्लूजन करते हैं, कुछ एक्सक्लूजन करते हैं, उसके बाद कहीं जाके वैल्यू आती है, तो वो सारी बातें इसलिए हमने चैप्टर बनाया वैल्यूएशन का जी। तो सेक्शन 15 जो है उस केस में आपको वैल्यू निकालनी है। फिर चेक पॉइंट नंबर 7 रेट, अब अगर वैल्यू को रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल क्या जाएगा? जीएसटी। दोबारा बोलो, अगर वैल्यू को रेट से मल्टीप्लाई करोगे, सारे के सारे बच्चे बताओ क्या निकल क्या आएगा जी? हाँ जी, अगर वैल्यू को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा? जीएसटी। अब मेरा जीएसटी निकल के आ गया जी बताओ। अब ये जीएसटी मेरे हाथ में है, सारे बच्चे इधर, ये जीएसटी मेरे हाथ में है, इस जीएसटी से तुम क्या क्वेश्चन पूछोगे? कोशिश करके बताओ, इस जीएसटी से तुम क्या क्वेश्चन पूछोगे? जैसे जीएसटी निकल कर आया अगला क्वेश्चन है हु इज लाइबल टू पे जीएसटी, इस जीएसटी को पे करने के लाइबल कौन है? क्योंकि जीएसटी में तीन लोग जीएसटी पे करने के लाइबल होते हैं, या तो सप्लायर या रिसीवर या थर्ड पार्टी। अगर जीएसटी में सप्लायर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा फॉरवर्ड चार्ज, दैट इज नॉर्मल चार्ज। अगर किसी केस में रिसीवर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा दैट इज रिवर्स चार्ज। और अगर किसी केस में थर्ड पार्टी जीएसटी पे करेगी दैट इज स्पेशल प्रोविजन अंडर जीएसटी। ये बात ध्यान देना, या तो सेक्शन नंबर 95 इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर वाला ईसीओ वाला, उस केस में थर्ड पार्टी जीएसटी पे करती है। तो अगला क्वेश्चन वही है, Who is liable to pay GST? That is supplier, receiver या third party. अगर supplier है तो उसको हम बोलते हैं forward charge या normal charge. Receiver है तो reverse charge. Third party है तो special provision under GST. Electronic commerce operator
यहां पे निकल के आ रहा है, जो भी आपके ऑनलाइन वेबसाइट वाले हैं कई बार वो भी जीएसटी पे करने के लायबल होते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सब लोग भी जीएसटी पे करने के लायबल हो सकते हैं, ये पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? उसके बाद अब हु इज लायबल टू पे जीएसटी, तो समझ में आ गया भाई जीएसटी पे करने के लायबल कौन कौन है। सारे बच्चे आवाज मार दो जी, आप में से अप्रोक्सीमेट 1000 बच्चा मेरे सामने बैठा है, मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं 100% गारंटी दे रहा हूं, आप में से कई लोगों को यह नहीं पता होता, लोगों के दिमाग में क्या होता है कि जीएसटी में फॉरवर्ड चार्ज है या रिवर्स चार्ज है, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर भी बन चुका है, क्या सप्लायर और रिसीवर के अलावा भी कोई पर्सन जीएसटी में जीएसटी पे करने के लायबल है? यस है, सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 ईसीओ जीएसटी पे करने के लायबल है। अब ईसीओ कहां कहां जीएसटी पे करने के लायबल है वो सारी बातें हम 9.5 में देखेंगे। 4 से 5 सर्विस ऐसी हैं जहां पे ईसीओ जीएसटी पे करने के लायबल है, तो वो सारी बातें 9.5 के अंदर आएंगी। बट अभी सिर्फ इतना समझो, या तो सप्लायर या रिसीवर या थर्ड पार्टी। क्या बात मेरे समझ में आ रही है जी? अब अगले पॉइंट पर आओ, कौन जीएसटी पे करने के लायबल है उससे अगला क्वेश्चन, When GST is liable to be paid? GST देना कब है? हेलो भाई साहब, ओए ओ, तू जीएसटी पे करने के लायबल है? हाँ हूं, कब? रिसीवर जीएसटी पे करने के लायबल है? हाँ हूं, कब? ईसीओ जीएसटी पे करने के लायबल है? ईसीओ मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब ऑनलाइन वेबसाइट वाले, तुम जीएसटी पे करने के लायबल हो? हाँ है, बट अगला क्वेश्चन कब? या तो एक चैप्टर आपने किया होगा टाइम ऑफ सप्लाई, यात्रो टाइम ऑफ सप्लाई याद है, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, टाइम ऑफ सप्लाई, तो हमें निकालना पड़ता है किस दिन हमें जीएसटी पे करना है। तो अगर मेरे 3 महीने लगातार बैच चल रहा है, एक बात मेरे को बताओ यार, हमारा त्रिशूल बैच चल रहा है, क्या त्रिशूल बैच हमारा एक दिन की गेम है क्या भाई? ये कंसिस्टेंट है, कॉन्टिन्यू सप्लाई है, ये लगातार चलेगी आने वाले 3 महीने, लगातार चलेगी, इनकम टैक्स भी चलेगा, जीएसटी भी चलेगा, फुल मौज में चलेगा। मैं डेली यहां पे आऊंगा पढ़ाने के लिए, बताओ मेरी सर्विस को दिया हुआ कब मानूं? सर्विस मैं डेली दे रहा हूं, माना तुमसे मैंने पैसे नहीं चार्ज किए, पर अगर पैसे चार्ज किए होते तो मैं जीएसटी कब देता बताओ? डेली सर्विस दे रहा हूं, जीएसटी सर्विस पे लगता है, सर्विस मेरी डेली है, कब जीएसटी दूंगा? तो एक दिन मुझे निकालना पड़ेगा कि मेरी सर्विस का पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या है, मेरी सर्विस का टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, और जो दिन निकल के आएगा उसके बेस पे जीएसटी देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं व्हेन इज लायबल टू पे जीएसटी, ठीक है? अब टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं वो सारी की सारी बातें हमारी आगे जाके डिस्कस करेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई निकालनी कैसे है। तो देखो यहां पे नहीं, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, फिर अगला चेक पॉइंट नंबर 10 आ रहा है, एम फोर आर आई टी सी ई सी, दोबारा बोलो एम फोर आर आई टी सी ई सी, फिर बोलो एम फोर आर आई टी सी ई सी, अक्षत जैन साहब इधर, एम फोर आर आई टी सी ई सी, ए का मतलब ऑडिट, आई का मतलब इनवॉइस, एम का मतलब मैनर ऑफ पेमेंट, 4 आर रिटर्न रिकॉर्ड्स रजिस्ट्रेशन रिफंड, आई टी सी इनपुट टैक्स क्रेडिट, ई सी का मतलब ई वे बिल और कॉम्पोजिशन लेवी। ये सारी की सारी बातें चेक पॉइंट नंबर 10 के अंदर आती है। फिर चेक पॉइंट नंबर 11 हमारा आता है असेसमेंट और इंस्पेक्शन अंडर जीएसटी, चेक पॉइंट नंबर 12 अपील एंड एडवांस रूलिंग, ठीक है, और चेक पॉइंट नंबर 13 इंटरेस्ट पेनल्टी एंड अदर पैनल प्रोसीडिंग। ये टोटल मिला के 13 चेक पॉइंट हमारे निकल के आते हैं। अब अगर आपको समझ में आ गया, गाबा कलर, गाबा सर के भिंडी कलर का बच्चा, हाँ गाबा सर के भिंडी कलर का बच्चा और गाबा सर के शिमला मिर्च कलर का बच्चा, सारे बच्चे पहले लाइक ठोकेंगे और उसके बाद मेरे को सारे के सारे चेक पॉइंट बताएंगे यहां पर लाइव चैट के अंदर, ताकि मैं देख पाऊं कि तुम्हारे पल्ले पड़ा नहीं पड़ा जी। आदित्य फटाफट से बताओ, जल्दी बताओ सर, क्या हम आईडीटी पहले सोल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो जी, जल्दी बताओ। टोटल हमारे कितने 13 चेक पॉइंट है बताओ, 13 के 13 चेक पॉइंट फटाफट से बताओ कौन कौन से हैं जी, 13 के 13 चेक पॉइंट कौन कौन से हैं सर, हम बताएंगे। देखो सबसे पहला हाँ, एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात बोली, प्रशांत आई लव यू मेरे बच्चे, एक बच्चा कह रहा है एक ही क्लास में जीएसटी का सार बता दिया, बिल्कुल सही बोला आपने, ये पूरे जीएसटी का सार है।
कहते ना भागवत गीता जो है उसका सार क्या है, कर्म, कर्म करो फल की इच्छा ना करो, ये पूरे जीएसटी का सार है। तेरा चेक पॉइंट अगर तुम्हारे पल्ले पड़ रहे हैं तो पूरा जीएसटी तुम्हारे पल्ले पड़ सकता है, ये पूरे जीएसटी का सार है। ये कोई चैप्टर नहीं है, ये पूरे जीएसटी का ही सार है भाई, पूरे जीएसटी में ये हमें पढ़ना है बस। बहुत बढ़िया लाइन आपने बोली है जी। चलो जी, तो सबसे पहले बताओ पहला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है। पहला पॉइंट हम क्या चेक करेंगे कि गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में कवर है या नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या चेक करेंगे कि वो सप्लाई की डेफिनेशन में कवर है या नहीं है। तीसरा क्या चेक करेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी में है या नहीं है। चौथा पॉइंट हम क्या चेक करेंगे कि वो टैक्सेबल पर्सन वाली कैटेगरी में कवर है या नहीं है। पांचवा पॉइंट क्या चेक करेंगे, एग्जम्पशन में कवर है या नहीं है। अगर ये पांचों पॉइंट कवर हो जाते हैं फिर जीएसटी लेविड एंड कलेक्टेड। थैंक यू हर्ष मेरे बच्चे, थैंक यू हर्ष, थैंक यू। इधर देख लो आंसर दे दे, अब इधर आंसर दे फटाफट से। अगला फिर चेक पॉइंट नंबर सिक्स में क्या निकालेंगे, वैल्यू। फिर वैल्यू को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। चेक पॉइंट नंबर सेवन हमारा रेट का है, वैल्यू को रेट से मल्टीप्लाई करोगे जीएसटी निकल के आएगा। कैसे जीएसटी निकल के आएगा, चेक पॉइंट नंबर एट, हु इज लायबल टू पे जीएसटी। तीन लोग होंगे, या तो सप्लायर या रिसीवर या थर्ड पार्टी। सप्लायर है तो फॉरवर्ड चार्ज, रिसीवर है तो रिवर्स चार्ज, थर्ड पार्टी है तो स्पेशल प्रोविजन अंडर जीएसटी, उसको बोलते हैं ईसीओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। अगला पॉइंट, व्हेन इज लायबल टू पे जीएसटी, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, वो हमें वहां पे निकालना पड़ेगा। फिर चेक पॉइंट नंबर 10, एम 4R आईटीसी ईसी। दोबारा बोलो, एम 4R आईटीसी ईसी। ए का मतलब ऑडिट, आई का मतलब इनवॉइस, एम का मतलब मैनर ऑफ पेमेंट, 4R रिटर्न रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन रिफंड, ईसी ईवे बिल, और सी कॉम्पोजिशन लेवी। फिर चेक पॉइंट नंबर 11, इंस्पेक्शन और असेसमेंट। चेक पॉइंट नंबर 12, अपील और एडवांस रूलिंग। और चेक पॉइंट नंबर 13, इंटरेस्ट पेनल्टी और अदर पेनल प्रोसीडिंग। ये पूरे जीएसटी का सार आपके सामने यहां पे निकल के आ रहा है। इसी के साथ ही ये पॉइंट हमारा यहां पर डमरू वाले बीजी सर का खत्म हो जाता है। और कई लोगों को मेरे डमरू बनाने से भी दिक्कत है, दिक्कत ही बड़ी है यार, खत्म ही नहीं होते, कहां लेके जाओगे इतनी दिक्कत। एक जिंदगी में कुड़ कुड़ के मर जाओगे मेरे को तो लग रहा है भाई साहब। अंदर वो नहीं, जलन नहीं खत्म होती, कुड़न ही नहीं खत्म होती। एक जिंदगी है भाई, जी लो यार, हंस लिया करो, हंस भी लिया करो, कदो हंस भी लिया करो, नालायक हंस भी लिया करो। चलो जी, यहां तक क्लियर है जी, यहां तक क्लियर है, पक्का पक्का। आदित्य वैल्यू कब निकालेंगे वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, वैल्यू हम कब निकालेंगे टेंशन मत लो जी, ठीक है। चलो अब एक बार यहां पे देखो री, अब एक बार यहां पे देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो यहां पे, अब देखो क्रक्स। हाँ जी, अब यहां पे एक बार चेक करो क्रक्स ऑफ 13 पॉइंट क्या निकल के आ रहा है जी। अब जो ये क्रक्स निकल के आ रहा है, अब ये क्रक्स क्या, देखो यहां पे 13 चेक पॉइंट का क्रक्स क्या है, 8 चेक पॉइंट अलग है, 5 चेक पॉइंट अलग है। सारे बच्चे मेरे को सोच समझ के बता दे जी, हेलो भाई साहब, सारे के सारे बच्चे को सोच समझ के बता दे, ये 5 चेक पॉइंट जो मैंने अलग किए हैं, ये 5 चेक पॉइंट क्या डिसाइड करवाते हैं कि जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा जी। 5 चेक पॉइंट जो है वो ये डिसाइड करवाते हैं कि जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, और 8 चेक पॉइंट ये डिसाइड करवाते हैं कि जीएसटी लगने के बाद जीएसटी देना कैसे है। तो ये 8 चेक पॉइंट कलेक्शन के हैं और 5 चेक पॉइंट लेवी के हैं, देना है या नहीं देना, 5 चेक पॉइंट चेक करूंगा, और अगर एक बार जीएसटी लग गया तो जीएसटी देना मुझे कैसे पड़ेगा, वो सारे के सारे 8 चेक पॉइंट हैं। अब यहां पे चेक करो, 5 कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी, इसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना जी। हां जी भाई साहब, ओए इधर, हेलो इधर, 5 कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, 5 कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी। पहली कंडीशन, एलिमेंट गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में कवर होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी, एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन सप्लाई की डेफिनेशन में कवर होनी चाहिए, सेकंड। तीसरी कंडीशन, प्लेस ऑफ सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए। चौथी कंडीशन, सप्लाई करने वाला टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। पांचवी कंडीशन, सप्लाई एग्जम्पशन में कवर नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये पांचों की पांचों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी तब कहीं जाके जीएसटी देना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को जीएसटी नहीं देना चाहिए। आप मेरे को बता सकते हो, अगर मेरे को किसी को जीएसटी से बाहर निकालना है तो कैसे बाहर निकालूंगा, या तो उसको गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन से बाहर निकाल दो, या उसको सप्लाई से बाहर निकाल दो, या उसको इंडिया से बाहर निकाल दो,
या टैक्सेबल पर्सन से बाहर निकाल दो या एग्जम्पशन में डाल दो। बस तुम्हारे पास पांच रास्ते हैं किसी भी इंसान को जीएसटी से बचाने के, छठा रास्ता तुम्हारे पास नहीं है। ये पांच रास्ते हैं, अगर जीएसटी से बचा सकते हो तो बचा लो, नहीं तो फिर तुम्हारे हाथ में जीएसटी लगेगा ही लगेगा। तो देखो यहां पे, इफ ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ठीक है, देन जीएसटी लगेगा, और इफ एनी वन कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड तब जीएसटी नहीं लगेगा। तो फाइनली अब जाके पॉइंट हमारा खत्म हो जाता है। क्या इसको पैक कर सकते हैं जी? इस बार रेगुलर बैच में पहले से भी अच्छे मस्त नोट्स बनवाए हैं सर ने, इंप्रूवमेंट होती रहती है हर बैच में, चल रही है इंप्रूवमेंट, हर बैच नया है, हर बच्चा नया है, पूरी जान लगा देते हैं बस। यस शिवम, यस यस, ठीक है। चलो अब यहां पे आ जाओ जी, अब यहां से फाइनली हमारा चेक पॉइंट नंबर वन अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में क्या कवरेज, और इसको हम स्टार्ट करेंगे कब करेंगे स्टार्ट? कल जी? नहीं नहीं कल तो मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, कल तो मेरे को होम टाउन जाना है भाई, कल तो मेरे को होम टाउन जाना है, कल मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, परसों संडे को भी क्लास नहीं ले पाऊंगा, मंडे को मैं क्लास लूंगा, तो मंडे को थोड़ी लंबी ले लूंगा, ऐसा कर सकता हूं, तो कल परसों क्लास नहीं होगी, बट मैं तुम्हें होमवर्क देके जा रहा हूं। होमवर्क दे सकता हूं, होमवर्क दे सकता हूं पक्का पक्का। तो मैं होमवर्क तुम्हें ये देके जा रहा हूं कि जितना भी जीएसटी हमने अभी तक पढ़ा है एक बार दोबारा से उसको रिवाइज करना है, ठीक है नहीं? जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है या तो एक बार उसको अच्छे से रिवाइज करना है, और सुनो कल मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है तो कल मैं कुछ अच्छा काम करता हूं, कल इनकम टैक्स की समरी बुक भी डाल देता हूं, ठीक है, आज रात को बैठ के, और कल सुबह थोड़ा सा उसके ऊपर काम कर लेता हूं जो मुझे करना है, तो कल मैं इनकम टैक्स की समरी बुक भी डाल देता हूं जी। तो कल मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके उसको डाउनलोड कर लेना, और ग्रुप के अंदर भी डाल दूंगा, ग्रुप से भी डाउनलोड कर लेना, तो कल मैं समरी बुक भी डाल दूंगा, उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के इनकम टैक्स अपना पढ़ना स्टार्ट कर दो जी, ठीक है। और बाकी बस आप ऐसे ही लगे रहे यहां पे, बस मैं आपको एक बात कह रहा हूं, आपसे वादा कर रहा हूं कि अगर त्रिशूल बैच आपने सही ढंग से बैठ के समझ लिया, मैं सही बता रहा हूं, आपको पेपर में दिक्कत नहीं आएगी, इतना मेरा आपसे वादा है। आप मैराथन तो बहुत बात की बात है, मैराथन तो होनी होनी है, बट मैराथन से पहले ही आप ये कह दोगे सर कमाल हो गया, और जब इनकम टैक्स स्टार्ट होगा तो इनकम टैक्स में जो दुनिया दिखाऊंगा मैं, भगवान की दया से कह रहा हूं, तुम्हें हर क्लास के अंदर मजा आएगा, हर क्लास के बाद तुम्हारा मन करेगा दूसरी क्लास अभी हो जाए, तुमको ऐसे ऐसी चीजें पढ़ा दूंगा ना, तुम्हें लगेगा भाई साहब यही तो एग्जाम के अंदर आती है, हमें पहले समझ में क्यों नहीं आ रही थी, ठीक है जी। तो बस आप लगे रहें, आप ऐसे ही आते रहें, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, और सारे के सारे बच्चे लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और शेयर जरूर करें, आपका एक शेयर मैं सही बता रहा हूं बहुत सारे बच्चों की हेल्प कर सकता है, आपका शायद शेयर करने से कुछ जाता नहीं होगा बट बहुत सारे बच्चों की हेल्प हो जाती होगी, इतना मुझे विश्वास है जी। तो मैं चाहता हूं ये मेहनत हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जी, ठीक है जी। चलो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो, और अगर कल मेरे को मौका लगा, कल दोपहर को अगर मेरे को मौका लगा तो मैं कल क्लास ले भी सकता हूं, मैं वो बता दूंगा, नहीं तो फिर हम मिलेंगे मंडे, तब तक के लिए आप अपना पढ़ते रहे, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, थैंक यू सो मच।